Well, there we have confirmation that Pakistan have won the toss and they will bat first. It's Group B match. This could be the real contest. Oh, turn and bounce. Always leg spinners are exciting and they're the type of bowlers that could give you wickets. That is an absolutely brilliant delivery. To come in for the second delivery, we saw it first one, didn't we? Got some height. Look at this. It's got up above the eye line. Really brilliant. Fox the batsman. Just that last mistake. Turn. Well taken actually by the keeper who held it line. But well done. ख्वाब तो वो लोग देखते हैं जिन्हें ताबीर मिलने की उम्मीद हो सोबिया और मायूसी कभी कभी हो जाती है मायूस में इस बदतमीजी का मतलब किसी को उसकी औकात याद दिलाना बदतमीजी नहीं होती ये तो जिस तरह तुम मेरे घर में दाखिल हुए हैं उसी से पता चलता है कि नई नई दौलत हाथ लगी है शोएब नाम है मेरा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कैसर दुरानी का एक दौता बेटा जद्दी पुश्ती रईस हूँ और एक मासूम लड़की के कातिल भी ये जुमला भी अपने तारुफ में शामिल कर लो तुम्हारे रॉब दॉब में बहुत इजाफा हो जाएगा तुम अच्छा नहीं कर रहे अच्छा तो तुमने नहीं किया तुमने एक मासूम लड़की को कत्ल कर दिया ये अच्छा किया मुझे इनकार पसंद नहीं वकील साहब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे इनकार मत करना मेरी जिंदगी का मकसद तुम जैसे लोगों को सलाखों के पीछे या सलीब पर लटकते हुए देखना है और अगर जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाए तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा अपने बच्चों पर रहम करो मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं मेरे खिलाफ केस लड़ने से तौबा कर लो तौबा कर लो कहाँ फंस गया मैं कचरे के ढेर पर बने इस मोहल्ले में इस कदर खूबसूरत लड़की क्या वाकई कीचड़ में कमल का फूल खिलता है मैं समझता था ऐसी बातों का जिक्र सिर्फ शायरी में होता है लेकिन ये तो हकीकत है मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ मैं किसी छोटे इलाके में शिफ्ट नहीं होने वाली तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो अलीना मैं थक गई हूँ मोहब्बत करते करते तो आज तक कोई नहीं थका तुम क्यों थक गई हो क्या तुम्हारी मोहब्बत में बस कर दो शाहरुख अब मैं मजीद ब्लैकमेल नहीं होने वाली मोहब्बत की है तुमसे बाप के मुखालफत जाके मैंने तुमसे शादी की है तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें याद होता ना तो मुझे यहाँ से शिफ्ट होने का तुम कभी नहीं कहते अलीना हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है क्या करूं बाप के आगे जाके भीख मांगूं हेल्प का ये मतलब नहीं होता तो फिर क्या होता है कुछ दिन सबर कर लो वो दिन दूर नहीं है अलीना जिसके हमने ख्वाब देखे जिन लोगों के बीच में तुम बैठते हो ना
उन लोगों के ख्वाब आंखों से बहकर नीचे गिर जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। आ जाओ बच्चों, आज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हाथ धोने के स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है? जी बाजी। जी बाजी। सब रेडी है? जी बाजी। ओके, तो हाथ धोने, अकेला पा गया ये। हाथ धोने का सबसे पहला स्टेप है पानी से हाथ गीले करना। स्टेप नंबर टू, साबुन को अच्छी तरह से अपने हाथों पर लगाना। स्टेप नंबर थ्री, उंगलियों को अच्छी तरह से मलें। स्टेप नंबर फोर, हाथों को अच्छी तरह से साबुन से मलें। स्टेप नंबर फाइव, दूसरे हाथों की उंगलियों से पहला हाथ धोएं। अब हाथों को तो फिर खुश कैसे करना है बाजी? हाथों को खुश कैसे करना है? टावल से? नहीं, हाथों को टावल से खुश नहीं करेंगे, हाथों को हवा में खुश करेंगे इस तरह से। टावल से साफ करने से दोबारा जरासीम लगने का खतरा होता है, समझ रहे हैं आप सर? जी बाजी। और हाथों को खुश कैसे करेंगे? ऐसे। शाबाश। थैंक यू अलीना। वो मैंने पिल डालने का फैसला कर लिया है। ये मशवरा तो मैंने ही तुम्हें दिया था, अब इसका क्या फायदा? वही जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं आ सकता। फिर एक और ख्वाब। हाथ सुनो अलीना, देखो ख्वाब के अंदर ही तो उसकी ताबीर हुआ करती है। अभी तक किसी ख्वाब की मैंने ताबीर नहीं देखी, फिर कानून अंधा हो या किस्मत बहरी होती है? मेरी बात सुनो, अंधे और बहरे लोग भी ख्वाब देखा करते हैं, नजर आए ना आए कचरे की बदबू सबको आती है। इससे हमें क्या फायदा होगा? शोहरत। मीडिया इस बात को उछालेगा, उन्हें रेटिंग मिलेगी, हमें क्या फायदा होगा? वकालत भी एक शोबिज है, यहाँ लोग टैलेंट कोई नहीं देखते, शोबाजियां देखते हैं बस। शोबाजियां ही तो कर रहे हो लीना। देखो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करना पड़ता है। एक दफा मशहूर हो जाऊंगा ना, फिर देखना लाखों के केसेस आएंगे मेरे पास, मैं बता रहा हूं। भाईजान, आज फहद सलीम साहब आए थे। फहद सलीम आया था, क्यों? वो कह रहा था कि मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा मिलता हुआ चला जाऊं। कल बुलाया है इसको। वो तुम्हारे भाई ने बुलाया था, जब मैं आया तो वो यहां पे था ही नहीं। अनायदा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे तुम्हारा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, पता नहीं कैसे बात को समझोगी तुम। परेशान ना हो, मैं बात करूंगी। कौन है भाई? अंकल मैं हूँ आमिर, दरवाजा खोलिए। आमिर आओ। आमिर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो सॉरी अंकल। सॉरी? किस बात का सॉरी? वो मुझे आने में देर हो गई, वो एक्चुअली मैं अपने लिए ऑफिस देखने चला गया था। मगर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, आज 5 तारीख है, आज आपने मेरे पैसे लौटाने का वादा किया था ना। हाँ, आज 5 तारीख है और पैसे लौटाने थे, लेकिन आओ तो मैं अपने वादे का अंजाम दिखाऊं। आओ मेरे साथ, आओ जल्दी से आओ।
ये क्या हुआ अंकल? ये होता है सच बोलने और वादा निभाने का अंजाम। किसने किया है सब कुछ? मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि ये किसने किया है, ना मैं इस पोजीशन में हूं कि तुम्हें कुछ बता सकूं। मगर अंकल मेरे पैसे जब होंगे दे दूंगा। मगर अंकल मैंने कहा ना, मैं जब होंगे जब दे दूंगा, इस वक्त मैं किसी भी पोजीशन में नहीं हूं कि तुम्हें कोई भी बात कर सकूं तुमसे। जाओ यहां से, निकलो। मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करें आप प्लीज। तुम चाहते हो कि मैं इनकार कर दूं? इनकार सुनना चाहते हो? जी मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, जाओ और जाकर अपने ससुर से बात करो। ना मैंने तुमसे उधार लिए, ना मैं तुम्हें दूंगा, और जब कभी होंगे तो दे भी दूंगा। जाओ यहां से। इस बात को समझने की कोशिश करें सर, मैं बहुत प्रॉब्लम। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो, मैं खुद बहुत टेंशन में हूं। मैंने सब कुछ थोड़ी यहां से। निकलो यहां से। बात तो सुने आप। निकलो यहां से। बात तो सुने, क्या कर रहे हैं आप ये? निकलो यहां से। अरे तुम लोग कहां गए आज? असलम भाई आपसे एक काम था। क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए? ये आमिर है, हमारा दोस्त है। वो आतिफ इसके पैसे नहीं दे रहा। आतिफ वकील? जी हाँ, वो मेरे ससुर शाहब सिद्दीकी के दोस्त हैं आतिफ साहब। मैंने अपने ससुर के कहने पे उनको 15 लाख रुपए दे दिए। अब मैं मांग रहा हूँ उनसे पैसे, तो वो देने में टाल मटोल कर रहे हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो नहीं है मेरे पास। सबूत नहीं है तो फिर क्या करें? क्या करें? कुछ ऐसा करो कि वो पूरे मोहल्ले के सामने तुमसे कहे कि उसने तुम्हें पैसे देने हैं। मकरूज है वो तुम्हारा, और कोशिश करना जब वो ये बात कर रहा हो तो उसको फोन पर रिकॉर्ड कर। मेरी जिंदगी की तो जी यही सारी जमा पूंजी है, अब वो मुकर गए तो मैं क्या करूंगा? अरे मेरे भाई नहीं मुकरेगा, हम है ना, मुकरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीब सी बात है, यानी इतने अरसे से मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ आतिफ साहब से, टाल मटोल कर रहे हैं, इतने अरसे से मैं घरतावाद बन के रह रहा हूँ, बुरा लगता है, बेगैरती बेगैरती सी फील होती है। तो वो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पैसे लेके अपना कुछ कारोबार शुरू करूँ। अभी ऐसा कोई काम किया है कि सांप ही मर जाओ लाठी ना टूटे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। कभी भी नहीं किया। देखो परेशान जब इंसान होता है ना, तो परेशानी से कुछ नहीं होता, कुछ काम करने से परेशानी का हल होता है। जब तक वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? क्या पियो? शुक्रिया मैं नहीं पीता। अरे कुछ नहीं होता, दिमाग को खोलने के लिए होती है, इससे आइडियाज आते हैं। हेलो आतिफ साहब, आतिफ साहब, आमिर तुम फिर आ गए भाई, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? मसला मेरा नहीं है, मसला तेरा है पुठे, तेरा। तेरी इस खोपड़ी में, इस खोपड़ी में फतूर आ गया है। लगता है कहीं से नशा कर कर आए हो। अरे नशा तो मुझे मेरे ससुर ने पिलाया था, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई तेरे हवाले कर दी। तो जाके ससुर से बात करो ना। अरे पैसे तूने देने हो, जाके मैं अपने ससुर से बात करो। तुम्हें मेरी मजबूरी तो पता है। अरे बाहर में गई तेरी मजबूरी, मेरी मजबूरी का किसी को ख्याल नहीं है। देखो आमिर, अरे मुझे खुद देखना सुनना नहीं है, पैसे देने हैं क्या? नहीं बेटा मैं मुकर तो नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल दे दूंगा तुम्हें। तुझे मुकरने भी नहीं दूंगा। पूरे 15 लाख हैं, 15 लाख पूरे 15 लाख दूंगा मैं तुम्हें, मगर तुम मुझे छोड़ तो सही। तो निकाल अभी, अभी इसी वक्त सारे पैसे लेके जाऊंगा, निकाल पैसे। जब होंगे मैं दे दूंगा। इस तरह पूरे मोहल्ले के सामने गुंडागर्दी करने का क्या फायदा है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे शर्म तुझे नहीं आती?
मुझे यतीम और कमजोर समझ रखा है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, किसी गलतफहमी में मत रहना। शहाब सिद्दीकी साहब, आपका दामाद सरे राह मेरी बेइज्जती कर रहा है, देखे तो सही आप। क्या बदतमीज ये थी? अरे आप, आपका लिहाज कर रहा हूं अंकल, वरना मैं अब तक इसे इसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। बस बंद करो। और आप लोग चलें, चलें आप लोग, क्या तमाशा लगा रखा, जाए। चलो मेरे साथ चलो, चलो। मैं मेरी मजबूरी तो पता है। अरे कहाँ में गई तेरी मजबूरी? अभी इसी वक्त सारे पैसे लेके जाऊंगा, निकाल पैसे। मुंगे में दे दूंगा, इस तरह पूरे मोहल्ले के सामने गुंडागर्दी करने का क्या फायदा है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, किसी गलतफहमी में मत रहना। क्या खूबसूरत बनी की है तुम। वैसे जो हुआ गलत हुआ, हमारी वजह से दो बेगुनाह इंसानों का खून हो गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? आप लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की, और तुम्हें तुम्हारी तवक्को से बढ़कर इनाम मिलेगा। तो मेरे साथ आइए, आइए, आइए। ये सब क्या है आमिर? मेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा अंकल। कैसे समझ में नहीं आ रहा बेटा? इतना बड़ा इल्जाम किसी पर खामखा तो नहीं लग जाता? कसम ले ले, जब आपके साथ में घर वापस आया था तो उसके बाद मैंने घर से बाहर कदम नहीं निकाला। आयशा इस बात की गवाह। जी अबू, आमिर उस वक्त घर पर था, और अगर घर से बाहर भी होता तो मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि आमिर किसी इंसान को कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें आतिफ के घर जाकर झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? क्यों गए वहां? आमिर, अब सारे हालात और वाकयात तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। जरूर कोई ना कोई मेरे खिलाफ साजिश होगी। एक तो हम हर बात को साजिश का नाम दे देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं अपनी गलती क्यों तस्लीम करूं? अबू प्लीज, आप सेक्रेटरी साहब से बात करें, आमिर बेगुनाह है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सेक्रेटरी साहब से तो बाद में बात करूंगा, पहले तो SHO से मिलना होगा। जब तक असल कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाते, मुझे आमिर का छुटना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। SHO से मिलता हूं। ये क्या हो गया आमिर? हमने क्या सोचा था, और जिंदगी हमें किस तरफ लेके जा रही है? मैं बेगुनाह हूं, ये लोग इंसाफ करें ना करें, अल्लाह जरूर इंसाफ करता है। तुम हिम्मत हारने की बजाय मुझे हौसला दो, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, ना माँ बाप ना भाई बहन। क्या हो गया मुझसे? यकीन नहीं आ रहा, कोर्ट ने तुम्हारी अपील कबूल कर ली? खामखा डरते हैं हम कोर्ट से रابطہ करने में। कोर्ट जायज इशू पर और आवाम को बुनियादी हक दिलाने के लिए हमेशा तैयार होता है। कोई आम आदमी भी जा सकता है कोर्ट में आवाम के हक में अपील करने के लिए। हाँ शाहरुख, अब वाकई लगता है कि तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। वाकई देखते हैं मीडिया क्या रोल अदा करता है इस मामले में। मीडिया तो लोगों को शऊर देने में हमेशा ही पॉजिटिव रोल अदा करता है। अब लोग तफरकों में बढ़ के खुद। वालेकुम अस्सलाम। आप में से शाहरुख साहब कौन है? मेरे शाहरुख। ओह, तो आपने पहल डाली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये जुर्रत मुझे दी है। आपको अंदाजा है कि आपने किसके खिलाफ स्टेप उठाया? पिल हुकूमत के खिलाफ और आवाम के हक में डाली जाती है ना? बिल्कुल जी, इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے اور وہ میں دینے کو تیار ہوں. آپ کا تعارف؟ میرا نام امجد ہے, ڈپارٹمنٹ کا میں لیگل ایڈوائزر ہوں. چائے پلائیں آپ کو؟ چائے رہنے دیجئے, اپنے آپ کو بچائیے. اور ہاں, حکومت سے آپ کو ٹکر نہیں لینی چاہیے تھی. میں مر مر کر یہاں تک پہنچا ہوں صاحب, پر مرنے سے مجھے ڈر لگتا نہیں ہے. دیکھو تو فروا, کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اب تو عنایدہ کی سلیکشن پکی سمجھو. تو کیا آپ نے عوام کے حق میں حکومت کے خلاف پل ڈالی؟ جی غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کروڑوں روپے کے پوائنٹس کہاں جا رہے ہیں؟ مما جلدی آئے, مما جلدی. میں شہر کو آ رہی ہوں, شور کیوں کر رہی ہو؟ زندگی کا ڈھیر بنا دیا. مما پاپا ٹی وی پہ آ رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے پورے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. مطلب فیصلہ ہونا چاہیے اس بات کا, اور جو شامل ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. کتنا صاف تھا ہمارا پاکستان, کتنا پاک تھا. غریب آدمی کی کتنے خواب توقعات تھیں اس ملک سے. نوجوان نسل کو ڈپریشن میں دھکیل دیا ہے. بوند بوند کو ترس رہے ہیں یہ لوگ. تمہیں کیسا لگ رہا ہے اپنے پاپا کو ٹی وی پہ دیکھ کے؟ بہت اچھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی زندگی چاہیے, لہروں سے بھرپور زندگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مجھے ان سے ملنا ہے. شاہ رخ گھر پہ نہیں ہے. شاہ رخ سے نہیں, مجھے آپ کی بہن سے ملنا ہے. میری بہن؟ جی وہ کرکٹ کھیلتی ہے نا, مجھے ان کا نام نہیں پتا. عنایدہ شاید یہ نام ہے. عنایدہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام صوبیہ ہے, میں آپ کی پچھلی گلی میں رہتی ہوں. اچھا, میں عنایدہ. آپ کرکٹ کھیلتی ہیں نا؟ جی. مجھے بھی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے. ارے واہ. اچھا آپ آئیں نا, بیٹھے. کہاں رہتی ہیں آپ؟ آپ کی پچھلی گلی میں. اور مجھے کہاں دیکھا؟ کل اپنے گھر کی چھت سے دیکھا. آپ وین سے اتر رہی تھیں, مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو. آپ لوگ یہاں پہ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ بچپن سے. میرے دادا نے یہ گھر بنوایا تھا جس میں ہم رہتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی پوری زندگی اس علاقے میں گزار دی؟ جی. کمال ہے, ہمیں تو یہاں پہ چند روز ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک کے بعد دوسرا سانس لینا زندگی گزارنے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. کچھ عرصے پہلے یہ شہر کا پوش ایریا تھا. جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی, جہالت بھی بڑھتی گئی اور کچرا بھی. افسوس ہم پاکستان کو پوری طرح سے صاف نہیں رکھ سکے. اوہو, اسے اچانک ہی آ گئے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بچی 10 منٹ پہلے ہی آ جاتی. کیوں 10 منٹ پہلے؟ کیا تھا؟ 10 منٹ پہلے وہ تمہیں دیکھ ہی لیتے. کون امی؟ اب کون آیا تھا؟ عمران اپنی امی کو لے کر آیا تھا. عمران کو؟ اب بنو مت اور مجھے بھی نہ بناؤ. تم اچھے طریقے سے جانتی ہو میں کس عمران کی بات کر رہی ہوں. امی میں جس عمران کو جانتی ہوں نا وہ کبھی یہاں نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے میں نے اس کی پہلی بال پر چھکا مارا تھا اور مارے شرمندگی کے آج تک میرے سامنے نہیں آیا. اور ویسے بھی اس کی امی ہے ہی نہیں. وہ اپنی امی کے ساتھ آیا تھا اور ان کا نام شگفتہ ہے. امی قسم لے لیں میں کسی عمران کو نہیں جانتی. باہر وہ پھر آنے کا کہتی ہے. امی پتہ نہیں آپ کن لوگوں کو گھر بلا رہی ہیں. اور مجھے ویسے بھی شادی کرنی نہیں, مجھے کرکٹ کھیلنی ہے. تو ان لوگوں کو تو تمہارے شوق کا پتا ہے. انہیں کیسے پتا ہے؟ وہ تمہیں کرکٹ کھیلتے دیکھ چکا ہے. میں نے نہیں دیکھا امی کسی کو. باہر جو کچھ بھی بہت اچھے لوگ, تمہیں تو بہت معقول لگے. یہ لمبی گاڑی میں آئے تھے. امی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اب کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ اپنی تصویر دیکھ کے گیا ہے. اتنا اچھا لڑکا میں تمہارے ابو کو دوں, وہ جانچ پڑتال کر لیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی امی آپ کی. نہیں آ رہی چائے تو پلا دو مجھے. میں گئی تھی آج ان کے گھر, بہت اچھے لوگ. ایک ہی ملاقات میں کسی کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, پتہ چل جاتا ہے. جب آپ کے دل میں بدگمانی نہیں ہوتی نا تو آپ کو سب اچھے لگتے ہیں. اور پتہ ہے عنایدہ اتنی اچھی اتنی پوزیٹیو لڑکی ہے, اس نے میری اتنی رہنمائی کی. حوصلہ افزائی تو سبھی کرتے ہیں مگر ہیلپ کوئی نہیں کرتا. اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری ہیلپ بھی کرے گی. اور کتنے لوگ ہیں ان کے گھر؟ بھائی, بھابھی, ایک بھتیجی. عنایدہ بتا رہی تھی کہ اس کے بھائی وکیل ہے. اور پتہ ہے جو ہمارے محلے میں صفائی کی مہم شروع ہو رہی ہے نا وہ بھی انہی کی وجہ سے شروع ہو رہی ہے. اس کے بھائی کا نام شاہ رخ تو نہیں ہے؟ ہاں, آپ کو کیسے پتا؟ آج کل نیوز میں شاہ رخ سب کا نام بہت لیا جاتا ہے. عنایدہ بتا تو رہی تھی ایسا کچھ. مجھے ان سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, صبح چلتے. نہیں صبح نہیں, مجھے ابھی ملنا ہے ان سے. ابھی باجی اس وقت جانا مناسب نہیں لگتا. ساحل کسی وقت بھی دروازے پہ جا کے دستک دے سکتا ہے. میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ رات کافی ہو چکی ہے, آپ آرام کر لیتی. میں آرام کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا عامر اس وقت جیل میں ہے. پلیز مجھے لے چلو وہاں پہ, مجھے جانا ہے. چلیں. ہمارے گھر میں نا مزید اب سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے. بکواس ڈرامہ. جس عورت کی وجہ سے مرد کو اس معاشرے میں جگہ ملی, مقام ملا, اسی کو چھوڑ دیا. ایڈوکیٹ شاہ رخ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا, کورٹ نے ہمارے شہر کی صفائی اور کچرا اٹھانے کا حکم دے دیا ہے. ارے آپ لوگ اس وقت, وہ ہم نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا آپ کو؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا, آپ لوگ پریشان لگ رہے ہیں. جی یہ میری بڑی بہن ہے عائشہ. السلام علیکم. آپ لوگ آئے نا اندر پلیز. صوبیہ نے کافی ذکر کیا تھا آپ کا, تو میں نے سوچا مل لیتے ہیں آپ سے. یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا, کیونکہ ملنے ملانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ایکچولی مجھے صبح آفس جانا ہوتا ہے. صوبیہ نے آپ کو بتایا تو ہوگا؟ جی صوبیہ نے بتایا تھا کہ آپ نرس ہیں کسی ہاسپٹل میں. جی بالکل, میرے ہسبینڈ جیل میں ہیں. جی یہ بھی بتایا تھا, بہت افسوس ہو. مگر جب مجھے پتا چلا کہ آپ کے بھائی وکیل ہیں تو میری آدھی پریشانی کم ہو گئی. آپ فکر نہیں کریں, میرے بھائی یقیناً آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ویسے وہ جلدی سو جاتے ہیں لیکن میں دیکھ کر آتی ہوں. اگر وہ سو گئے تو مت اٹھائیے گا, ہم صبح آ جائیں گے. صبح کیسی باتیں کر رہی ہو, وہ سو بھی گئے تو میں اٹھا دوں گی. ویسے بھی رات کام بھاگی جا رہی ہے, آپ لوگ انتظار کریں میں آتی ہوں. جی بلا وجہ ڈسٹرب کر دی ہم نے. ڈسٹربنگ کیسی, انسان ہی تو انسان کے کام آتا ہے. آ رہے ہیں بھائی جان. اگر وہ سو گئے تھے تو آپ نے نہیں اٹھانا تھا انہیں. سوبیا آ رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھے. السلام علیکم. السلام علیکم. سوری آپ کو اس وقت زحمت دی, لیکن آپ سو رہے ہوں گے. نہیں وہ ایکچولی بیٹی کو سلا رہا تھا تو میری بھی آنکھ لگ گئی. اب بیٹھے بیٹا, جاؤ کوئی چائے شائے لے کے آؤ. جی
نہیں نہیں اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، شکریہ. بیٹھے تو صحیح. مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. میرے ہسبینڈ عامر کو بے گناہ قتل کیس میں پھنسا دیا گیا ہے، حالانکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے. اور میں آپ کے پاس یہی امید لے کر آئی ہوں کہ شاید آپ ہماری کوئی مدد کر سکیں. کون دیکھ رہا ہے ان کا کیس اس وقت؟ سیدھا سیدھا کیس ہے مائی لارڈ، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قاتل پارٹی کا ایڈوکیٹ ایک ہی پیشی کے پاس کیس لینے سے معذرت کر لیتا ہے. آئندہ ایسا نہیں ہوگا مائی لارڈ. آئندہ کیس چلے گا تو ہوگا نا. ملزم عامر نے ایڈوکیٹ آتے سے پیسے لینے تھے، لیکن آتے صاحب کا ہاتھ تنگ تھا، وہ ٹائم پر ان کو پیسے نہ دے سکا، اور عامر نے غصے میں آ کر ان کا مرڈر کر دیا. جج صاحب، میرے فاضل وکیل اس بات سے متفق ہیں کہ ایڈوکیٹ عاطف نے عامر کو پیسے دینے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عامر کی بیوی کے پاس جج صاحب فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی بھی کام انسانی ہمدردی یا جذبہ حب الوطنی کے تحت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی لائر عامر کا کیس لینے سے انکار کر دیتا ہے. میرے فاضل دوست نے یہ کیس انسانی ہمدردی کے تحت نہیں بلکہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لیا. جج صاحب، مان لیتے ہیں کہ ایڈوکیٹ شاہ رخ نے یہ کیس انسانی ہمدردی میں نہیں بلکہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لیا ہے، لیکن یہ کیس اتنا ایزی نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہے سر. یہ کیا پیچیدگی نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ عامر نے قتل نہیں کیا، عامر کو پھنسایا گیا ہے. جج صاحب، ایڈوکیٹ عاطف کا قتل کس نے کیا، کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ان دنوں میں ایڈوکیٹ عاطف کون سا کیس لڑ رہے تھے جس میں ان کی مخالف پارٹی کو یا تو اپنی جان کا خطرہ تھا یا پھر انتہائی مالی نقصان کا. جج صاحب، آبجیکشن مائی لارڈ. میرے فاضل دوست خام کا کیس کو الجھانے اور عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جج صاحب، مجھے وقت چاہیے تاکہ میں اپنے مدعی عامر کو بے گناہ اور ایڈوکیٹ عاطف کے قاتلوں کا اصلی چہرہ بے نقاب کر سکوں. اجازت. آج کل تو آپ کی مصروفیات کچھ بڑھ گئی ہوں گی. ارے کچھ نہ پوچھیں، صبح سے رات تک بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے. کبھی کبھی تو چھٹی والے دن بھی چلے جاتے ہیں. ویسے بھائی صاحب، ایک بات تو ہے، اگر روز کا کام روز ہو جائے نا تو یہ نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک کہہ رہی ہیں بہن، لیکن اس طرح کوئی سوچتا ہی نہیں. بس اب بہت ہو گیا، اب میرے صبر کا امتحان اور مت لیں آپ لوگ. میرا مطلب ہے، صوبیا بیٹی کہاں ہے، آپ اسے تو بلائیں. وہ عائشہ بلانے گئی ہے، آ رہی ہوں گی بہنیں دونوں. سنا ہے صوبیا بیٹی کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے. صرف شوق، جنون، جنون کی حد تک ہے اسے، ہر وقت کرکٹ کرکٹ کرکٹ. آ گئی. یہ کیا ہوا نہیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ ابھی تو بتایا آپ کو، جنون کی حد تک کرکٹ کا شوق ہے، کھیل لیں گئی تھی، چوٹ لگا کے آ گئی، بستر پہ تھی، اب تو بہت ٹھیک ہو گئی ہے. اچھا اب آؤ بیٹا، آؤ یہاں آؤ. ہفتہ ہو گیا، آج بیٹھو. ماشاء اللہ بیٹا، جنون اپنی جگہ، لیکن کھیلتے وقت اپنی صحت کا بھی تو دھیان رکھنا چاہیے. نہیں نہیں، اسے اپنا کہاں خیال ہے، اپنا تو بالکل خیال ہی نہیں کرتی، ہر وقت کرکٹ کرکٹ کرکٹ. پتہ نہیں توصیف احمد بن کے دم لے گی. بھئی میرے بیٹے کی پسند تو بہت ہی لاجواب ہے، مجھے تو یہ رشتہ دل سے قبول ہے. اب مجھے آپ لوگوں کے جواب کا انتظار رہے گا. ہمیں بھی، میرا مطلب ہے ہم بھی آپ کو جواب دے دیں گے جلدی.
سنیے جی فرمائیے مجھے ایڈوکیٹ شاہرخ سے ملنا ہے آپ مجھے ان کا چیمبر بتا دیں گے کس سائڈ پر ہے جی یہ ہیں شاہرخ نہیں ایکچولی مجھے ان شاہرخ سے ملنا ہے جو آج کل ٹی وی شوز میں آ رہے ہیں جی بی بی میں نے آپ سے کہا نا کہ وہی ایڈوکیٹ شاہرخ خان وہی ہیں یہ ایکسکیوز می السلام علیکم وعلیکم السلام مسٹر شاہرخ آپ یہاں بیٹھتے اس جگہ پہ وہ ایکچولی میں زیادہ تر غریبوں کے کیسز لڑتا ہوں اس لیے مجھے یہاں بیٹھنا پڑتا ہے چیمبر ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ میری فیس زیادہ ہے ویری نائس یعنی جیسا سنا تھا اسے بڑھ کر پایا جی بس آپ کے سامنے ہی ہے مجھے ایسا ہی لائر چاہیے تھا اپنے لیے جی جی حکم کریں یہ 50,000 پہ ایڈوانس رکھیے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی پہلے کیس تو بتائیے آپ کیس میں یہاں ایسے سب کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتی اس کے لیے آپ کو میرے گھر پر تشریف لانی پڑے گی اور یہ میرا کارڈ ہے اس ایڈریس پہ آ جائیے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تھینک یو بھائیجان کیا کیس ہے یہ پتا نہیں کیا کیس جی السلام علیکم جی ارے آپ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی آئیے سوری جی میں لیٹ ہو گیا ذرا اٹس آل رائٹ آپ آ گئے یہی کافی ہے لیجیے تشریف رکھیے شکریہ آپ یہاں اکیلے رہتی اکیلے کون رہنا چاہتا ہے آپ چائے لیں گے کافی یا کچھ اور نہیں تھینک یو بس کیس کی ڈیٹیل بتا دیں کیس بتانے کے لیے تو آپ کو زحمت دی ہے مگر پہلے مہمان نوازی پھر فیس اور پھر کیس ڈسکس کریں گے اچھا یعنی کہ سرکاری پروسیس کی طرح لمبا پروسیس ہے یس یو رائٹ شکر ہے کچھ حسن مزاح تو باقی ہے ورنہ میں تو سمجھی لا کی کتابوں نے آپ کی طبیعت بالکل ہی صاف کر دی نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں Anyways, کتنی فیس لیتے ہیں آپ بولیے سر 2,00,000 3,00,000 کتنے کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسکیوز می لیجیے میں نہیں پیتا کوئی بھی نہیں پیتا پینی پڑتی میرے خیال میں اس کی ضرورت تو نہیں جی تو وہ ہسبینڈ سے نہیں بن رہی میری وجہ میں محبت کی بھوکی ہوں اور وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے نہیں مرد دولت بیوی اور بچوں کی خاطر بھی تو کماتا ہے ویسے میں محبت کرنا چاہتی ہوں جو محبت ٹوٹ کر کی جاتی ہے میں اپنے ہسبینڈ سے نہ تو محبت کر سکی اور نہ ہی دل بہلا سکی ہوں آپ جیسے ہینڈسم انسان کی تلاش میں
इतनी देर तो नहीं लगाते। शाहरुख आज पता नहीं कहाँ रह गए। कहाँ थे आप? पता नहीं, मैं अब कहाँ हूँ? तुम अलीना ही हो या अलीना जैसी दिख रही हो? ये काम कब से आपने शुरू कर लिया शाहरुख? कौन सा काम? हैं? पैसे लगा कर अकल खोने का। तो बुरा लगा? हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसका नाम असर अंजाम देने पर मैं आपको कौन सा ही नाम दूँ? देखो मेरी बात सुन, जिस सोसाइटी में तुम जाना चाहती हो ना रहने के लिए, वहां पे ये काम किसी को बुरा नहीं लगता। वहां किसी को किसी के मुंह से बू नहीं आती। वो सोसाइटी है, उसमें जो ये काम नहीं करता उसको बुरा कहते हैं, अनकल्चरल कहते हैं। अनकल्चरल। तुम्हारी तनहाई बढ़ती जाए, आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ के चले जाए। सास और साली तो वैसे ही नहीं आती। ससुर ने आना कम कर दिया और बीवी बीवी कब तक भागेगी तुम्हारे पीछे? एक ना एक दिन वो भी मायूस हो जाएगी। अभी तो उसे उम्मीद है, लेकिन एक दिन जब तुम्हें सजा होगी तो वो भी मायूस हो जाएगी, थक जाएगी, और हो सकता है कि वो कहीं और शादी कर ले। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किया। मुझे बाहर निकालो, जब बाहर निकालो मैं बेगुनाह हूं। क्या काम कर रहा है? दम घुट रहा है मेरा, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। ये जेल है काके, खाला जी का घर नहीं। जुर्म करने से पहले अंजाम का भी सोच लिया करो। यहाँ की तन्हाई और यहाँ की अजियत का भी ख्याल कर लिया करो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। चुप, कत्ल करके तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जरा सी बात पे इंसान मार देते हो, यहाँ के चीखते हो, चिल्लाते हो, दाढ़ी रख लेते हो, नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हो। मैंने कहा ना, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। अदालत के सामने जाकर कहना, चुप करके बैठ जाओ, शोर किया तो चित्रोल पड़ेंगे, नानी याद आ जाएगी। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकी जिंदगी में नहीं। तुम्हारे जैसे कच्चे जानवर लोग कहते हैं कि जेल तोड़ना आसान है। चलो कर लो कोशिश, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे मुझे मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मुझे हेलो, क्या हो रहा है यंग लेडी? कुछ भी नहीं, चाय पीने का मूड हो रहा था, लाउंज में आई और तुम्हारी कॉल आ गई। और मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया है ना? ऐसा भी नहीं है। आराम से बैठ जाओ और सुकून से चाय के सिप लो। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? कुछ नहीं,
میں فون بند کرنے لگا ہوں اس لیے. تو پھر کال کیوں کی تھی؟ تمہیں کچھ واٹس ایپ کرنا تھا. ایسا کیا ہے فہد کہ واٹس ایپ کرنے سے پہلے کال کرنا ضروری تھا؟ شاید بہت خاص یا بالکل بکواس. میں کچھ سمجھی نہیں. اللہ کرے کہ تم کچھ نہ سمجھو, لیکن تم دیکھ لو ایک دفعہ پھر بات کرتے. خدا حافظ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اندھیرا کیوں ہے, کہاں ہیں یہ لوگ؟ معلوم نہیں. اور بھابھی کا فون بھی آف جا رہا ہے. فون آف جا رہا ہے؟ اس کا سیل فون آف, معاملہ کیا ہے؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے. عجیب عورت ہے, کم از کم فون تو آن رکھے اپنا. آپ کو پتا ہے میں نے نیوز میں دیکھا تھا کہ آج کل نا بچے اغوا ہو رہے ہیں. ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹے, ورنہ فون کرتی مجھے وہ. شاید ان کا فون گم ہو گیا. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بچے. بھائی جان, ہو سکتا ہے بھابھی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہوں. لگ تو مجھے بھی ایسا رہا ہے, لیکن کوئی وجہ تو ہو. آپ دونوں کی لڑائی ہوئی تھی. آج صبح تک بالکل ٹھیک تھی, کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی. اور تم ہی کو کیوں ساتھ لے گئی ہے وہ؟ ڈیڈ کے گھر اپنے گئی ہوں. نہیں, وہاں نہیں گئی ہوگی. پھر بھابھی جا کہاں سکتی ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کھا لو پلیز. علی کیا ہو گیا, کس بات پہ ناراض ہو کے چلی گئی؟ باجی آپ کا فون بج رہا ہے. فون کو بجنے دو, سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے چائے لا کے دے دو. جی میں ابھی بنا کے لگی. اینا کس بات سے ناراض ہو گئی ہے؟ اب فون نہیں اٹھا رہی. کیوں فون نہیں اٹھا رہی ہے؟ فاج سلیم بھی اپنے اپارٹمنٹ پہ نہیں ہے. اس نے آنا تھا, آیا بھی نہیں. لینا پلیز واپس آ جاؤ, کیا ہو گیا ہے؟ عامر, چوٹ کیسے؟ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا. کچھ نہیں ہوا ہے مجھے, شکر کرو ابھی زندہ ہوں. ٹارچر کیا ہے انہوں نے تم پر؟
یہ ہمارے وکیل ہیں شاہرخ صاحب، آپ کی پریشانی میں تعارف کرانا ہی بھول گئی تھی۔ تمہاری وائف کو شک تھا کہ تم پر جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مجھے تم سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، اسی لیے شاہرخ صاحب کو ساتھ لے کر آئی ہوں۔ کیوں کیا تم نے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر یہ پٹی، اس کے نیچے زخم، یہ سب کیا ہے؟ پاگل پن کا دورہ پڑا تھا کیا تمہیں؟ پاگل میں نہیں، پاگل یہ لوگ ہیں جو میری سچائی پر اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ تم مایوس ہو گئے ہو عامر۔ تو اور کیا کروں میں؟ کب تک ایک جھوٹی امید پر زندہ رہوں میں؟ جب تک میں زندہ ہوں۔ ایسی وفادار بیوی کے ہوتے ہوئے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا کیس میں نے سٹڈی کیا ہے، تم بہت جلدی باہر آ جاؤ گے۔ آپ مجھے بہلائے مت وکیل صاحب، آپ اپنی فیس لے کر سائٹ پر ہو جائیں گے اور یہ سسٹم جمع ڈالے گا۔ شاہرخ صاحب ہم سے فیس نہیں لے رہے، بلکہ انسانی ہمدردی کے تحت ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جس معاشرے میں انسان نہیں رہتے، وہاں انسانی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ صرف انسانی ہمدردی کے تحت میں یہ کیس نہیں لڑ رہا، تمہارا کیس جیت کے مجھے خود کو ایک اچھا وکیل ثابت کرنا ہے، اور فیس میں لوں گا مگر تم سے۔ فرمائیے۔ علینا کہاں ہو تم؟ تم سے مطلب؟ میری بیوی ہو، بتائے بغیر گھر سے غائب ہو، کیا مطلب؟ جب کوئی نظروں سے گر جائے تو اس سے مطلب رکھنا یا اس سے اجازت لینا کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ نظروں سے گر جاؤں؟ علینا میں آنسو نہیں تمہارا شوہر، اور یہ شاعرانہ باتیں مجھ سے مت کرو۔ کہاں ہو تم؟ مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں رہنا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر تبدیل کرنے کو تیار۔ اور بولو۔ بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی چینج کر لو۔ بغیر کسی وجہ کے؟ وجہ تلاش کرنا کسی مرد کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ علینا میاں بیوی کا رشتہ اتنا کچا نہیں ہوتا جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مجھے بہت بڑا دھچکا لگا۔ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ریشہ یہ بات پوچھ کے مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ جو عورت بلا وجہ گھر چھوڑ کے چلی جائے اسے بے وقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ پلیز آئندہ مجھے کال مت کرنا، اور ڈیوورس پیپر کوریئر کر دینا۔ بکواس بند کرو تم۔ فی الحال میں فون بند کر رہی ہوں۔ باجی باجی سومی کو بہت زیادہ الٹیاں ہو رہی ہیں۔ کیا کھلا دیا تم نے اس کو؟ باجی وہی دلیا کھلایا تھا۔ رک جاؤ یہاں سے، میں بعد میں کھیلتے ہیں، جاؤ۔ I'm sorry. It's okay. مجھے لگتا ہے ڈر گئی تھی آپ۔ آپ مجھے ڈرانے آئے؟ نہیں، میں تو آپ کو دیکھنے آیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا بابا I'm sorry، غلطی ہوگی، معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں مجھے اس قدر نزدیک آ کے ہارن نہیں بجانا چاہیے تھا۔ آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں، آپ کو برا لگا؟ محلے والوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ محلے والوں کو اب کیا اعتراض؟ اعتراض تو شادی تک رہتا ہے، اور ہماری بات تک رہنے نہیں ہے۔ بات آپ لوگوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، میری امی نے تو ہاں کر دیا تھا۔ ہمارے کچھ گھریلو مسائل ہیں۔ وہی تو جاننے آیا ہوں میں۔
वो आपको हम नहीं बता सकते। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं। मुझे आप अच्छे लगते हो। याद आती है आपकी, देखने को बातें करने को दिल चाहता, पता नहीं ये प्यार है मोहब्बत है या कुछ और, मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम। ओके ये आप लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मी ने बता दिया था मुझे, घर में गिर गई थी आप, चोट आ गई, जख्म कैसा है? तुम्हें मेरी कसम से तो कुछ नहीं कहूं। क्या सोच रही? जख्म ठीक नहीं हुआ। उसके बावजूद भी क्रिकेट खेल रही हैं? शायद इसी वजह से ठीक नहीं हो रही। घर जाकर रेस्ट करें ना, प्लीज टेक सम रेस्ट। यही करूंगी, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। श्योर। कतल नहीं हूं सर, मैं बेगुनाह, मैंने कतल नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं किया सर, मुझे मारेगा मत सर। डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मेरी मरी हुई मां की कसम, अपने बच्चों का वास्ता मुझे कातिल साबित मत कर। या तो तुम आधी मुजरम हो या फिर बिल्कुल बेगुनाह, समझ में नहीं आ रहा मेरे। समझने की कोशिश करें सर, मैं भला उस वकील का कत्ल क्यों करूंगा? मुझे उन्हें मारकर क्या मिलना है? उनके जिंदा रहने से मुझे मेरी फंसी हुई रकम मिलने की उम्मीद थी, और उस अदाकारा सुंदस को तो मैं जानता तक नहीं हूं। तो ये मर्डर तुम पे क्यों डाले जा रहे हैं? तो अच्छी तरह जानते हैं सर, ये बड़े लोग अपने जैसे बड़ों को बचाने के लिए हम जैसे बेबस और गरीबों को फंसाते थे, और तुम जैसे लोग भी लालच में आके इस्तेमाल हो जाते हैं। अब तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम्हारा मचना बहुत मुश्किल है बेटा। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप मुझे बेगुनाह लिख देंगे तो मैं बचाऊंगा सर, आप ही माए बाप है मेरे। मेरे हाथ में तो मेरा कलम नहीं है बेटा, यही तो मजबूरी है। अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बात तो है ना नाना, तुम क्या पुराने जमाने की लड़कियों की तरह बात कर रही हो कि शादी से पहले लड़की ससुराल नहीं जाएगी? बस मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मना कर दिया। कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। नाइदा मुझे डर भी बहुत लग रहा है। किस बात का? यार बीवी के लड़ाई झगड़े से। पागल, ये झगड़े तो जिंदगी का हिस्सा है, मोहब्बत की अलामत है। वैसे अलीना भाभी ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? क्या फैसला? आयशा बाजी बता रही थी कि उन्होंने शाहरुख भाई से खुला लेने का फैसला किया। हेलो। हेलो फहद, कहाँ हो तुम? केस दायर हो गया? हाँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके एडवोकेट को दे दिया है।
बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे। That's great. अच्छा ये बताओ कि किस जगह पे खड़ी हो, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। अरे मैंने तुम्हें वैसे भी मिलना था, टैक्सी की क्या जरूरत है? तुम इस तरह करो कि घर पे ही आ जाओ ना, मैं तुम्हारा यहाँ वेट नहीं कर सकती। ओके चलो ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है। السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مما جی میری جان، آپ کہاں گئی تھی؟ میں کسی کام سے گئی تھی۔ پاپا سے؟ نہیں، پاپا کب آئیں گے؟ پتا نہیں۔ اچھا چلو بختو، ذرا دروازے پہ دیکھنا کون آیا ہے۔ جی جی باجی۔ آپ نے کچھ کھایا؟ نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی آپ کون؟ شاہرخ۔ جی کس سے مل رہے ہیں؟ اپنی بیوی اور بیٹی سے۔ پاپا، پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ میرا بیٹا، کیسی ہو؟ بہت اتار۔ کیوں؟ آپ کے لیے اور کس کے لیے؟ میرا بچہ۔ تم یہاں بھی آ گئے؟ جن لوگوں کو تلاش ہوتی ہے وہ لوگ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں۔ تمہیں شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا، ملو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اس سے ملنے نہیں، تم دونوں کو لینے کے لیے آیا۔ میں نے گھر واپس جانے کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ جی جی باجی۔ دیکھو علینا، غصہ دو چار دن کا ہوتا ہے، میں نے تمہیں اس سے زیادہ ٹائم دیا ہے۔ چلو اب سامان اٹھاؤ اور گھر چلیں۔ کچھ دنوں بعد تمہیں کورٹ کی طرف سے نوٹس مل جائے گا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے جرم کیا کیا ہے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، جرم میں نے کیا ہے تم سے شادی کر کے، اور مجھے سزا بھی مل گئی ہے۔ اب میں نے اپنا کورٹ میں کیس درج کروا دیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں کورٹ بغیر کسی وجہ کے ہماری شادی کیسے ختم کروائے گا؟ یہ تو کچھ دنوں بعد کورٹ کے فیصلہ جب آئے گا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ میں سمی کو لے کر جا رہا ہوں، جب تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گھر آ جا۔ مجھے مما کے پاس رہنا، مجھے نہیں جانا۔ تو مما بعد میں آ جائے گی نا، اس کو میں کہیں نہیں آنے والی۔ سمی اگر آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے تو آپ چلی جائیں، مجھے آپ کے پاس رہنا۔ علینا تم اچھا نہیں کر رہی ہو، پچھتاؤ گی تم۔ میں پچھتاؤں گی، میں پچھتا تو رہی ہوں، اور کتنا پچھتاؤں گی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا علینا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ امیر آ جائیے، آپ کی چائے بن گئی ہے۔ مجھے نہیں پینی چائے۔ اور وہ کیوں؟ میں جب تمہارے گھر آتی ہوں ہمیشہ چائے پی کے جاتی ہوں۔ ہاں کیونکہ تم میری دوست ہو اور تم مجھے اپنا دوست سمجھتی نہیں۔ تم یہ سوچتی ہو میرے بارے میں؟ تم نے ایسا ثابت کیا۔ اچھا وہ کیسے؟ بنائے دا، میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا،
और तुमने जितना भी बताया अधूरा बताया। अच्छा फिर एक काम करते हैं, तुम ना आधी चाय पी। अनायदा तुम किसी को पसंद करती हो, कौन है वो बताती क्यों नहीं? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो मेरी पसंद है या जिद। तुम मुझे और कंफ्यूज करी, वो तुम्हारी पसंद है या जिद इसका फैसला हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ वो है कौन? मेरी क्रिकेट टीम का कोच फहद सलीम। वो तो तुम्हारे भाई के दोस्त है ना? अच्छा, और ये पसंद और जिद का क्या मामला? क्योंकि वो ना मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता, मुझे लगता है वो अनम में इंटरेस्टेड है। अनम भी तुम्हारी क्रिकेट एकेडमी में होती है ना? हाँ, और सोबिया वो इतनी चलाक और खुदगर्ज लड़की है, मेरी तो पहले दिन से ही उससे नहीं बनी। तो रकाबत का मामला भी साथ साथ चल रहा है। मुझे तो कभी कभार इतना गुस्सा आता है उस पर। किस पर? अनम पर नहीं, फहद सलीम पर। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन मफाद परस्त। अब ये बात तो तुमने उसे समझानी है ना? मैं क्यों समझाऊं? तो वैसे भी उसे अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी इन्वॉल्व होती जा रही हूँ। तुम बहुत कंफ्यूज हो, और पता है कंफ्यूज लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। लेकिन फिर भी फहद सलीम को मेरा होकर रहना होगा। होगा तो तब ना, जब तुम उसे बताओगे कि तुम उसे पसंद करती हो। या तुम ये सब कुछ सिर्फ अनम की जिद की वजह से कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम फूफा जी। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर तुम इस वक्त यहाँ? गली के निकट पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं क्या करूँ? उसमें एक खूबसूरत सा लड़का बैठा हुआ है। अक्सर मुझे क्यों बता रहे हो ये सब कुछ? उसने मेरे को 1000 रुपये का नोट दिया है। गिरेगा। 1000 रुपया दिए? किस लिए? आपको बुलाने के लिए। अक्सर एक थप्पड़ मारूंगी, भाग जाओ यहाँ से। बदतमीज। इमरान नहीं होगा। अब तो लंगड़ाते हुए उसके सामने जाऊंगी। सुना है उसे मेरा लंगड़ा कर चलना बहुत पसंद है। मैं असलम नाम है मेरा। इसे लागे का बेताज बादशाह नाम तो सुना ही होगा। तुम मुझे क्यों बुलाया? कल देखा था तुम्हें अच्छी लगी थी प्यार करने के लायक। तुम्हें आपको पसंद आई? हाँ, इतनी पसंद आई मुझे तुम के बाल बच्चे होने के बावजूद भी तुमसे दूसरी शादी करने का दिल कर रहा। इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। तो भेजो रिश्ता। आप तो बहुत जल्द हो गए। हाँ तो सही बात है, जो चीज पसंद आया है उसको हासिल करने में देर नहीं करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं मेरे लिए? ये मत कहिएगा कि चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, बहुत पुरानी बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इलाके का इससे जो समझ जाएगा ये काम सिर्फ असलम ही कर सकता है। और तुम्हें भी पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत काम के बंदे। इस तरह से प्रपोज करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तब भेजो रिश्ता भी। अभी नहीं। क्यों? अभी मैं आपको थोड़ा आजमाना चाहती हूँ। जिस तरीके से चाहो आजमा लो, हर आजमाइश में पूरा उतरूंगा, मगर ना नहीं करना। डरा रहे? डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा इनकार मुझे पागल कर देगा। मुझे आपका पागलपन देगा। मैं शादी उसी से करूँ जो मुझे दीवानगी की हद तक चाहिए। चलते। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मेरी बीवी और मेरी बेटी रहती है, उनसे मिलने आया। चले जाओ।
اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر جاؤں گا نہیں میں یہاں سے. شاہ رخ، شاہ رخ بیٹھو. اچھا تو یہ چل رہا ہے یہاں، تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے. دوست بن کر دشمنی کی ہے تم نے. میں نے کیا کیا؟ بتایا کیوں نہیں مجھے کہ علینا تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے تو خود نہیں پتا تھا، مجھے اس نے کال کیا تو میں آیا ہوں. جھوٹ مت بولو. اگر علینا نے تمہارے ساتھ شادی کرنی تھی تو تم دونوں نے یہ سب ڈرامہ کیوں کیا ہے؟ اپنی بکواس بند رکھو. ڈرامے بازیاں تم کرتے پھر رہے ہو، اور اتنی گندی سوچ صرف تمہاری ہو سکتی ہے مجھ پہ الزام لگانے کی. مجھے بھی نہیں رہنا تمہارے ساتھ. میں بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا، مگر بیٹی کو میں تمہارے ساتھ چھوڑوں گا بھی نہیں. میری بات سنو تم دونوں، تم دونوں کو کوئی غلط فہمی ہے. کیوں اپنا گھر ڈسٹرب کر رہے ہو آپ لوگ؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے فہد سلیم تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. اول درجے کے منافق اور گھٹیا انسان ہو تم. ایسا کچھ نہیں ہے شاہ رخ. مگر میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، نہیں چھوڑوں گا اپنی بیٹی کو تمہارے پاس. بلاؤ اس کو. بختو، سمی کو لے کر آؤ. کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ہی ہوش کے ناخن لو. اتنا گھٹیا الزام مجھ پہ لگا رہے، اور خود بہت معصوم ہے جس نے خود کچھ بھی نہیں کیا. جاؤ لے جاؤ، لے جاؤ اپنی بیٹی کو. تم کیا سمجھتے ہو اس کی وجہ سے تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ مجھے نہیں جانا. ادھر آؤ سمی، کم ہیئر. چلو چل بیٹا، دیوار کے بعد اور بھی چیزیں صاف کرنی، جلدی کر. ارے آپ آئیے، تم لوگ باہر جاؤ جلدی. بیٹھیے. لگتا ہے نیا آفس بنا رہے ہیں. نہیں آفس تو بہت پہلے کا بنا ہوا، آج تو بس صفائی کروا رہا تھا. صفائی پسند ہے آپ کو؟ صفائی کس کو نہیں پسند. اگر سب کو پسند ہوتی تو ہمارا شہر اس قدر گندا نہیں ہوتا. بات تو ٹھیک کر رہی ہیں آپ، مگر سارے شہر کو کیسے صاف کروائیں؟ جس طرح سے آپ نے یہ آفس صاف کروایا ہے بالکل اسی طرح سے آپ پورا شہر یا محلہ صاف کرا سکتے ہیں. اب کل کو میری بارات آنی ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر میری بارات اس طرح سے گندی جگہ پر آئے گی. کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حکومت آپ جیسے لوگ ہی چلا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے کبھی کچھ نہیں کرتے. ہاں میری بے عزتی کر رہی ہیں، عزت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ حکومت آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو پورا محلہ ایک دن میں صاف کرا سکتے ہیں. اتنی یقین سے آپ بات کر رہی ہیں، آپ کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ کے یقین پہ پورا ہوتا. مجھے نہیں کھانا، مجھے نہیں کھانا. بھوک لگی ہوگی میری بیٹی کو؟ نہیں لگی مجھے. اچھا یہ میں کھا لوں گا، دودھ پی لو. مجھے نہیں پینا. پلیز میرا بیٹا، نہیں پلیز بیٹے تھوڑا سا تو دودھ پی لو. نہیں پینا. اچھا مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں پینا. لے جاؤں گا میں. بازار جائیں گے نا، دودھ پی لو. مجھے نہیں پینا. جو میری بیٹی پی. مجھے نہیں پینا. دودھ پی. مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں پینا. اچھا آدھا آدھا پی. نہیں. ویسے آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی، مجھے آپ کے اس فیصلے کی توقع ہرگز نہیں تھی. میں نے کیا ایسا کر دیا جس کی تمہیں توقع نہیں تھی؟ اس معصوم بچی کو اپنی ماں سے جدا کر دیا. اس کی ماں اس قابل نہیں ہے کہ سمی کو اس کے پاس چھوڑا جائے. بھابی کی غلطی کی سزا آپ اس بچی کو کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، یا تو آپ وکالت کر سکتے ہیں یا پھر اس کی پرورش، کیونکہ دونوں کام ایک ساتھ تو ہوں گے نہیں. اوکے میں کر لوں گا مینج، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بند کرو کرکٹ کھیلنا تم. اب آپ کو میری کرکٹ سے کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیونکہ مجھے کرکٹ کھیلنا تمہارا پسند نہیں ہے، سمجھی؟ بھائی آپ کو پتا ہے نا میں نے کرکٹ میں اپنا نام بنانا ہے. اگر تم نے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے نا تو کوئی اور ٹریننگ سینٹر جوائن کرو، فہد سلیم نہیں. لیکن فہد سلیم تو آپ کے دوست ہیں. ہاں مر گیا میرے لیے. کملے میں بیٹھو اپنے. بیٹا دودھ پی. نہیں پینا. بیٹا دودھ پی لو نا. پاپا کے پاس جا رہے ہیں. آپ مائی لارڈ، شاہ رخ جیسے لوگ امیر لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں اور انہیں خواب دکھاتے ہیں محلوں کے، اور دے نہیں سکتے دو وقت کی روٹی بھی. مائی لارڈ میری موکلہ علینا یہ نہیں چاہتی
کہ ان کی بچی بھی ان محرومیوں کا شکار ہو جن میں شاہ رخ گھرے ہوئے ہیں. یہ ایک جراثیم زیادہ ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں بچی بیمار ہو سکتی ہے. مائی لارڈ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق گندے اور بدبو زیادہ ماحول میں پرورش پہ آنے سے بچے وائرل انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آبجیکشن مائی لارڈ. آبجیکشن سسٹین. تھینک یو. میرے فاضل وکیل نے جو کچھ بھی کہا بالکل ٹھیک کہا. گندگی میں پلنے والے بچے وائرل انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں, لیکن کیا عزیز ٹاؤن میں رہنے والے بچے انسان نہیں ہیں؟ کیا صرف سمی ولد ایڈوکیٹ شاہ رخ کا ہی حق ہے کہ اسے اچھے اور صاف ستھرے ماحول میں رکھا جائے؟ آبجیکشن مائی لارڈ. میرے فاضل دوست عدالت عالیہ کی توجہ اصل کیس سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. سمی کا موازنہ ان بچوں سے نہیں کرنا چاہیے. خلا کا کیس فائنل کیا جائے اور بچی کو ماں کے حوالے کیا جائے, کیونکہ شاہ رخ کی گراوٹ کچرے کی طرح بدبودار ہے. یہ اپنی بیوی اور اپنے دوست پر شک کرنے لگے. آبجیکشن مائی لارڈ. میں نے اپنی بیوی پر کوئی الزام نہیں لگایا اور نہ ہی میں ان کے کردار پر کوئی کیچڑ اچھالنا چاہتا ہوں. چند غلط فہمیوں کی وجہ سے اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے, میری عدالت سے درخواست ہے کہ اس خلا کو فائنل کیا جائے. سیمی ول شاہ رخ اپنی ماں کے پاس رہے گی. شاہ رخ جب چاہے اپنی بچی سے مل سکتے ہیں. عدالت دونوں فراقین کو 3 ماہ کا وقت دیتی ہے. دونوں اچھی طرح سے سوچ لیں, اپنے اختلافات دور کرنے کی کوشش کریں. ہمارے مذہب میں طلاق حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین ہے. زندگی میں کوئی قتل کیا؟ کتنی بار بتاؤں اور کس کس کو بتاؤں کہ میں نے قتل نہیں کیا؟ میں تو جانتا ہوں کہ تم نے قتل نہیں کیا. پوچھ کیوں رہے؟ مایوس لگتے ہو. جو سچا ہوتا ہے وہ مایوس نہیں. جہاں سچ کو سچ ماننے والا نہیں رہتا وہاں سچا مایوس ہی ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم سچ پر یقین نہیں رکھتے, جھوٹ پر فوراً یقین کر لیتے. مشکل ہوتا ہے سچ کا راستہ. صرف ہمارے یہاں تو سچ بولنا جیسے کوئی بہت بڑا جرم. بہرحال مایوس مت ہونا. چاہے ایک کے بجائے 2 قتل ڈال دیے جائیں مجھ پر, میری بیوی ساری زندگی ادھر سے ادھر ذلیل ہوتی. پھر سوچ تو رہا ہوں کہ دونوں قتل میں اپنے سر لے لوں. پاگل ہو گئے ہو تم؟ نہیں, پاگل نہیں ہوں میں. 50 لاکھ کی آفر ہے مجھے. 50 لاکھ کی. پچاس لاکھ کی آفر؟ ہاں, یہ لوگ مجھے چھوڑ بھی دیں تو ساری زندگی سچ بول کر میں کون سا تیر مار پاؤں گا؟ 50,000 بھی نہیں کما پاؤں گا. مفت کی موت مرنے سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر جاؤں. کون تھے وہ لوگ؟ میں نہیں جانتا. سامنے آئیں گے تو پہچان لو گے؟ ہاں, پہچان لوں گا اسے. میرا تم سے وعدہ, با عزت بری ہوگے تو مایوس مت ہونا. بس تم
लोग अभी यहीं पे खड़े हो, काम नहीं कर रहे हो? अभी तक बताया ही था, उठाया नहीं था। अरे रुको एक सेकंड, मुझे गुजरने दो। रुको रुको, गुजर जाओ फिर करना। सोबिया खोलो। आ रही हूँ। भाई इतनी देर से बजा रही हूँ दरवाजा, मैं इतनी गर्मी है। बात उठा के ले आई, अब क्या क्या करूँ? लो ना, तो एक मेरे पास चलो। अच्छा, हर बड़ी सफाई हो रही मोहल्ले में। मैंने आपसे कहा था ना, सफाई हर हाल में होगी। तुम्हें लाम हुआ था, तुम्हें कैसे पता? अम्मी, अल्लाह ने ना इंसान को अकल दी है, अगर उसे इस्तेमाल करे ना तो मोहल्ला क्या, शहर के शहर साफ सुथरे हो सकते हैं। मैं ये रखकर आती हूँ, आ जाए अंदर, पानी पिलाऊ। कमाल है, सुबह से जिसके लिए मोहल्ले की सफाई करवा रहा हूँ उसने एक बार भी आके नहीं देखी। ये असलम बिना फिर से मैसेज, अब क्या लिखा है? सोबिया, बाहर असलम भाई आए हैं, शायद वो भी बात करना चाहते हैं, जाके बात सुनाओ। वो क्यों आए और मुझे क्यों बुला रहे हैं? आप उनसे कहें कि मैं सो रही हूँ या घर पर नहीं हूँ। क्या हो गया सोबिया, तुम इस कदर एहसान फरामोश भी हो सकती हो? ऐसा नहीं करते, बुरी बात है, जाओ जाके बात सुनो। इसमें एहसान फरामोशी वाली क्या बात है, मुझे नहीं मिलना है किसी से, आप जाएं उनसे कहते हैं। बुरी बात है सोबिया, तुम सिर्फ बात तो सुन लो ना। जाओ जाओ प्लीज। मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? आप प्लीज आहिस्ता बोले, अभी सब घर पर हैं और आप जाएं यहाँ से। अरे पहले बात तो सुन लो मेरी। आप जाएं यहाँ से, मैं आपको शाम को मिलूंगी। पक्का? जी ठीक है, शाम में मिलते हैं, खुदा हाफिज़। अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं? सोचना पड़ेगा। मुबारक हो तुम दोनों को। किस बात की मुबारक सर? मैं तुम्हें किस बात की मुबारकबाद दे सकता हूँ? सर यही तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कॉमेडी टीम के सिलेक्शन का रिजल्ट तो कल आ रहा है ना। लेकिन जो लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, मैंने उनका नाम लिस्ट में देख लिया। थैंक गॉड। लगता है नाइदा को खुशी नहीं हुई इस बात की। हर इंसान को खुशी होगी, मुझे भी होगी। कब? जब बकायदा तौर पे अनाउंस किया जाएगा। एनीवे सर, आप इसकी बात को माइंड मत करें, आप ये बताइए क्या वहां भी आप हमारे कोच होंगे? नहीं, वहां कोई और होगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए ना। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्लीज रुकिए, मुझे आप सबसे बात करनी। हाँ, गव को मैं कौन डाल सकता, काटो।
आइए अब। असलम साहब के साथ साथ मैं आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। फर्ज तो ये भी है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी सलामती का ख्याल रखें, उसकी इज्जत पर कोई हर्फ ना आने दें। इस बात की हमने पूरी कोशिश की है। मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहती हूँ कि खुद को मामूली मत समझो। अगर हम सब आपस में मिल जाए तो वो काम कर सकते हैं जो बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं कर सकते। हाँ बात कुछ समझ में आ रही है आपकी। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर सोच पॉजिटिव है ना तो हर शख्स अपने मुल्क का हीरो बन सकता है। आप लोगों ने जो काम किया है उसकी वजह से हर कोई आपको इज्जत की नज़र से देख रहा है। असलम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ताकत और इख्तियार रखते हैं। आपने जो काम किया उसकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ गई है। आपको ऐसे और काम करने चाहिए, दूसरों का कारिंदा बनने की बजाय खुद MP बनने की कोशिश करें। आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। जी बॉस बिल्कुल सही कह रही हैं। जो वोट आप दूसरों को लेके देते हैं वो आप खुद क्यों नहीं लेते? अरे भाई आसान काम नहीं है, करोड़ों की गेम है। जी उन लोगों के लिए जिन्होंने वोट खरीदने होते हैं, लेकिन जो लोग आवाम के साथ रहते हैं, आवाम के काम करते हैं, आवाम तो खुद उन्हें वोट देगी। एनीवे आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वैसे शादी के बाद अब अलहदगी में करेंगे या सबके सामने? सबके सामने करूँगी। अच्छा काम तो सबके सामने ही करते हैं, अलहदगी में तो जुर्म किए जाते हैं। मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने इमरान के साथ मेरा निकाह है। और आप सब इनवाइटेड हैं, जरूर आइएगा। खुदा हाफिज़। अरे बॉस ये क्या कहकर गई है वो? अपनी बकवास बंद करेगा तू, दफा हो जाएगा से। माय लॉर्ड ये केस बहुत सीधा है, लेकिन असल मुजरिमों को बचाने के लिए इसे उलझाया जा रहा है। एडवोकेट आतिफ को पहले से ही कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। मैं आतिफ की बेवा को अदालत में गवाह के तौर पर पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। आइए। जी मोहतरमा बताइए अदालत को क्या ये बात सच है कि आपके शोहर को उनके कत्ल से पहले उनको धमकियां आ रही थी कि अगर उन्होंने बात ना मानी तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा? जी जज साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये बताइए कि जब आपके शोहर को धमकियां मिल रही थी तो आपने किसी को बताया, किसी को कहा कि हाँ भाई मेरे शौहर को मारने के लिए धमकियां दी जा रही है? देखिए जय साहब अब केस आपके सामने है, इसका मतलब है कि गवाहों को झूठा पेश किया जा रहा है। यहां तमाम गवाह झूठ बोल रहे हैं। जय साहब क्या ये बात हमारे ऊपर इल्जाम है कि अब एडवोकेट आतिफ की बीवी भी झूठी गवाह के तौर पर लाई जाएगी? और क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि शौहर आज के जमाने में हर बात अपनी बीवियों को बताते होंगे, खासतौर पे ऐसी जब उनको धमकियां मिल रही हों कत्ल की? जी साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं और इनके पास इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं है, किसी भी तरह से ये साबित नहीं कर सकते। जैसा एडवोकेट आतिफ का कत्ल बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है, मेरे मुदई आमिर अलवी का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि हकीकत यह है कि एडवोकेट आतिफ के कत्ल का ताना बाना अदाकारा सुंदस के कत्ल से जाकर मिलता है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुझे मजीद वक्त दिया जाए ताकि मैं मजीद शवाहिद पेश कर सकूं और मेरी हिफाजत का भी बंदोबस्त किया जाए। यह अदालत अगली पेशी तक मुलतवी की जाए। Thank you.
नहीं, मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है. मेरे दिल को नहीं, इसमें कोई ऐसा जवाज नहीं है. मैं समझता हूँ कि आमिर ने सुंदस का कत्ल नहीं किया. यू आर राइट वकील साहब, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि एडवोकेट आतिफ को आमिर अलवी ने नहीं, इसी शुएब और उसके बाप कैसर ने मारा. मेरी भी राय यही है, बस अल्लाह करे कि मैं कोर्ट में ये चीज साबित कर सकूं. हम आपके साथ हैं, हमारे तरीके का तआवुन करने के लिए तैयार हैं. थैंक यू. ये 10 लाख रुपए का चेक है. 10 लाख? ये हमारी तरफ से फीस है, कम है तो बता दीजिए. लेकिन वकील साहब, हमारी बहन के कातिलों को फांसी होनी चाहिए. चलें जी, फिर इजाजत है. मैं मजे आ रहे हैं बॉस के. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरे वाह, खिलाफे मामूल आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं. क्योंकि खिलाफे तवक्को हालात जो बेहतर होने लगे हैं. हावी से कोई सुलह की सूरत निकल आई? नहीं, लॉटरी निकल आई मेरी, वो भी पूरे 10 लाख की. 10 लाख की लॉटरी? कैसे, आपने लॉटरी कब ली? भाई मेरे जैसे लॉयर को कोई 10 लाख रुपए एडवांस देगा तो ये लॉटरी से कम तो ना हुआ ना है? बिल्कुल, और आपके साथ साथ मेरी मेहनत भी रंग लाई. तुम्हारी मेहनत? मेरी कौमी टीम में सिलेक्शन हो गई. Really? इतनी बड़ी खबर तुम छुपा के बैठी हो? हाँ? छुपा के नहीं बैठी, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन फिर आपको इतना खुश देखा कि अपनी खुशी भूल गई. Congratulations. Thank you. अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम किसी अच्छे से इलाके में घर ले सकते, क्या ख्याल है? नहीं भाईजान, मेरे ख्याल से हम यहाँ ही ठीक है. क्यों? यहाँ पे हमें जितना प्यार, जितनी इज्जत और अपनायत मिली है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती. हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है. ये इलाका, यहाँ के लोग हमारे लिए बहुत लकी साबित हुए. काश ये बात भाभी भी समझ जाए. जल्दबाज औरत है वो. बेसब्रे लोग जो होते हैं ना, वो समझ से आरी होते हैं बेटा. उन्हें ये बात सारी जिंदगी समझ में नहीं आती कि अच्छे दिन आते जरूर हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है. मुझे तो लगता है कि हमारे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है. कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको मुझ पर भी एतबार नहीं रहा? अगर शाहरुख ने हमारे खिलाफ गवाह और सबूत पेश कर दिए तो हमें कोई नहीं बचा सकता मलिक नवाज साहब. वो कुछ भी कर ले, आमिर को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा वो. और अगर उसने आमिर को बेगुनाह साबित कर दिया तो उसका फांसी का बंदा मेरे गले में आके अटकेगा. सिर्फ तुम नहीं, मैं भी साथ मारा जाऊंगा. शुएब, तुम्हें तो मैंने पहले भी कहा है कि तुम मुल्क छोड़कर बाहर चले जाओ. और मेरा क्या, मैं फांसी पे लटक जाऊं? अगर तुम मेरी जान बचाने के लिए एडवोकेट आतिफ को कत्ल कर सके तो क्या अपने लिए एडवोकेट शाहरुख को नहीं मार सकते? कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो?
शाहरुख की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। अबे क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हमारी जिम्मेदारी कहां से आ गया अब? क्योंकि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। ये क्या फजूल बात है, हमारा दुश्मन, हम उसकी हिफाजत करेंगे? तुम्हारी हिमाकतों की वजह से टेंशन मेरे आसाब पर सवार है। डैड प्लीज, जो होना था हो चुका, अब इस मसले का हल सोचना होगा। हल आमिर को एडवोकेट आतिफ का कातिल साबित करना, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं कर लूंगा। मगर एडवोकेट शाहरुख अदालत पे बात वाजे कर चुका है कि आतिफ के कातिल ही सुंदस के कत्ल के पीछे है। साबित नहीं की है, वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी कोई भी जल्दबाजी ना पूरे केस का रुख तब्दील कर देगी। तुम देखते जाओ, देखते जाओ मैं शाहरुख के साथ करता क्या हूं। शुएब, मजीद कोई हिमाकत नहीं करोगे तुम, बस। अगली पेशी तक तुम्हारी जमानत हो जाएगी और अगर अल्लाह ने चाहा तो सोबिया की शादी भी हम फिर से एक साथ होंगे। तुम अपनी तरफ से कह रही हो या वकील साहब ने तसल्ली दी है? मेरा दिल कहता है कि आप पूरे दिन खत्म होने वाले हैं। मुकद्दर में क्या लिखा है आयशा, ये कोई भी नहीं जानता। प्लीज आमिर, तुम्हारे मुंह से मायूसी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जानता हूं, अगर हकीकत से मुंह मोड़ना अकलमंदी तो नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिल में अगर कुछ है तो बताओ मुझे, मुझसे कोई शिकायत है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ईशा के मैं बेगुनाह साबित ही ना हूं, सजा भी तो हो सकती है मुझे। ऐसी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि एक बेगुनाह पे कत्ल का जुर्म साबित कर दिया जाए, इतना आसान नहीं है ये। और फिर शाहरुख साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे केस के लिए। अच्छा, अगर मुझे सजा हो जाए ना तो दूसरी शादी कर लेना। मेरी खातिर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बात करके तुमने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि मेरी भी तोहीन की है। बात समझने की कोशिश करो आयशा। नहीं समझना मुझे कुछ भी, मुझे फिक्र है तुम्हारी। अगर मेरी इतनी फिक्र है ना तो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं नौकरी करते करते थक गई हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ तुमसे, थक जाओगी ये बेकार की कोशिशें छोड़ दो। तुम्हें हो क्या गया आमिर? आशा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम जैसी वफादार बीवी किसी खुशकिस्मत इंसान की होनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें जिंदगी में आखिर दिया ही क्या है? आइंदा नहीं आऊंगी मैं यहाँ, बजाय मेरे आंसू साफ करने के उल्टा मुझे रुला दिया। कोई साथ ना सही, जो चली तो ना रुकी, दरिया बहा गई एक बूंद जिंदगी, जो दर्द पाया मेरे खुदाया, न जाने कैसी है ये सजा, ये दिल सहारा करो खुदारा। पापा, पापा, पापा। बेटा कैसी बेबी थी? फाइन। ये देखो पापा आपके लिए क्या लाए। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा तो होते ही अच्छे हैं। साहब आपके लिए चाय लाऊं? जी। अबे do you miss me? चल जीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसकी हालत देखी है तुमने? मुझसे जितना सुमी के लिए हो रहा है मैं कर रही हूँ। तुम सिर्फ जॉब कर रही हो, सुमी के लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। सुमी तुम्हारी भी तो बेटी है, तुमने इसके लिए क्या किया? सुमी अगर मेरे पास रहे ना मैं इसके लिए कुछ भी छोड़ दूंगा। मिस्टर शाहरुख,
आपके पास है क्या जिसको आप छोड़ेंगे? मेरी बेटी इग्नोर हो रही है और इसकी जिम्मेदार तुम हो, समझ आई मेरी बात? ये सब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कर सकती हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मेरी बेटी इग्नोर हो रही है, ये जो बार बार बीमार हो रही है ना, इसकी तुम केयर नहीं कर रही हो। तुमने इसको अपनी नौकरानी के हवाले किया हुआ है। अगर दो दिन में मेरी बेटी ठीक ना हुई ना, मैं सुमी को यहां से ले जाऊंगा। कीप इट इन योर माइंड। बदतमीजी है? अरे बदतमीजी नहीं है सर, हम तो आपको इज्जत देने के लिए हैं। मुझे तुम जैसे लोगों से कुछ नहीं चाहिए। आपको शायद माशरे का मयार नहीं पता सर, हम जैसे लोगों की वजह से आप जैसे लोगों को इज्जत दी जाती। रास्ता रोकने का मतलब जानते हो? अरे सर सिंपल सी बात है, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, एक मुजरिम वकील के पास। मैं मुजरिमों को केस नहीं लेता। छोड़ो तो आमिर का केस छोड़ दो ना, कातिल है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे आमिर का केस छोड़ देना चाहिए? आपके फायदे का सोच रहा हूँ। मुझे इसमें तुम अपना फायदा तलाश करते नजर आते हो। कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा क्या फायदा होगा? एडवोकेट आते हुए एक जिद्दी इंसान था, आमिर के हाथों से मरवा दिया क्या? बस आमिर के हाथों में किसी और 50 लाख की ऑफर आमिर को तुमने दी? नहीं। तुम क्यों चाहते हो कि वो सुंदस का कत्ल अपने सर ले ले? हाँ मैं तो उसे जानता भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या इस तरह आज तुम मेरे पास आए? इस तरह एक मरतबा अदाकारा सुंदस के पास भी गए, शोएब का पैगाम लिया। कमाल है, मेरी बात समझने के बजाय उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे। तारीख और वक्त भी बता सकते। पसीना साफ कर, तुमने अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर लिया। हाँ पूरी फाइल तैयार है तुम्हारे नाम की, असलम कयूम वल्द कयूम अहमद मोहल्ला रशीदाबाद इलाका वहीदपुरा। कब तुम कराची आए थे, कब तुमने पप्पू 10 नंबरी के साथ मिलकर गैंग बनाया, पहला अगवा तुमने कोरंगी टाउन से किया था जिसके 5 लाख तावान दिए थे, स्ट्रीट क्राइम पताखोरी एक एक चीज मौजूद है उस फाइल में और इसकी एक कॉपी अदालत में जमा हो गई। आइंदा इस इलाके में नजर आए ना तो अरेस्ट करवा दूंगा। गाड़ी हटाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हो, नजर उतार लेना। जिसको नजर लगने का खतरा है वो खुद नजर उतार ले। मेरी नजर लगनी होती ना तो कब की लग चुकी होती। वैसे मेरी नजर इतनी बुरी नहीं है। ये बात है तो आप फिक्र ना करें, मुझे किसी और की नजर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं आज तक किसी को खूबसूरत ही नहीं लगी। मुझे लगता है तुम अंधों के मोहल्ले में रहती। तुम्हें पता अगर कोई शायर तुम्हें देख लेता ना
تو تم پر غزل نہیں پورا دیوان لکھتے تھا اور مصور تمہیں دیکھ لیتا تو تمہاری تصویروں سے اپنی گیلریاں بھر دیتا وعلیکم السلام آئیے وکیل صاحب بتائیے وکیل صاحب کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی سر میری بہن عنایدہ لاپتہ ہے او مائی گاڈ ویری سیڈ کب سے لاپتہ ہے مجھے نہیں ہے اس بات کورٹ سے گھر گیا ہوں تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا مجھے نہیں معلوم وہ کب گھر سے نکلی سر میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میری بہن عنایدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن بات میری سمجھ میں آ رہی ہے جن زمینی خداؤں کے ساتھ آپ نے ٹکر لے رکھی ہے نا وہ ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں سر اگر آپ سمجھ میں آ رہا ہے معاملہ تو کاروائی میں دیر ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے نا ریلیکس ریلیکس وکیل صاحب پولیس آپ کے ساتھ ہے اور عنایدہ کو کچھ نہیں ہوگا عنایدہ کو برامد کروانے کی ذمہ داری اب پولیس کی ہے خبر سر جلدی سے ریٹ کے لیے تیاری کرو ہری اپ جی سر تو ہری کچھ نہیں سر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا پلیز شیور آپ بھی چل سکتے ہیں پلیز یہ کس لڑکی کو اغوا کروا لیا تم لوگوں نے شعیب نے شاہ رخ کی بہن کو اغوا کروا دی یہ کیا بے وقوفی کی ہے اس نے اسی لیے تو تمہیں بلایا کوئی حل نکالو اس بات کا فوراً اس لڑکی کو واپس کرواؤ شعیب تو اپنے خلاف خود ہی ثبوت اکٹھے کر رہا ہے ارے اس کی یہ حرکت ہم سب کو کسی بھی وقت بے نقاب کروا سکتی ہے اندازہ ہے مجھے اس بات کا اندازہ ہے تو پھر سختی کرو اس پر یہ بات اگر میڈیا کے ہاتھ لگ گئی نا تو سوچو ہم سب کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے شاہ رخ بہت سمجھدار لڑکا ہے اپنے گھر کی اپنے عزت کی بات کو میڈیا تک پہنچنے نہیں دے گا کبھی نہیں میڈیا والے خود ٹریس کر لیتے ایسی بات ہے ملک کوئی حل نکالو اس بات کا جو ہو گیا سو ہو گیا اچھا یہ بتاؤ کہ شعیب گیا اس لڑکی کے سامنے پوچھا تو میں نے کہہ رہا تھا نہیں گیا کون ہو تم اور چاہتے کیا ہو اگر تم اس احمق اور بے وقوف ایڈوکیٹ کی بہن نہ ہوتی چاہے جانے کے لائق تھی اپنی بکواس بند کرو تمہارا غصہ
मुझे भी गुस्सा दिला सकता। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे भाई को एडवोकेट आतिफ के केस से दूर रखना चाहता हूँ। लेकिन वो तो मेरे भाई का जाती मसला है ना, इस सब में तुम मुझे क्यों यहाँ ले आए हो? तुम्हारी खूबसूरती का लिहाज नहीं करूंगा मैं। जानती हूँ मैं, जो इंसान औरत का एहतराम नहीं करता ना, वो लिहाज के काबिल ही नहीं रहता। मर मर के जी रहा हूँ मैं, प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम सब भूल चुका हूँ। ये सब जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। अपनी बकवास बंद रखो, इखलाकियात का सबक मेरे सामने आकर ना तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मर्दों की तरह दिलेर बनो, ये घटिया हरकतें इस्तेमाल मत करो तुम। करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ तुम्हारे भाई को इस केस से दूर रखूंगा। सोच लो। बंद करो इसको। ये सब आपके उस केस की वजह से हुआ है ना? हाँ। आप वो केस छोड़ क्यों नहीं देते? किस किस को कुर्बान करेंगे अपनी जिद की वजह से? जिद की बात नहीं, बात इंसाफ की, असूल की। और अनादर के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। मेरा अल्लाह तो है ना इंसाफ करने वाला। अगर मैं हक पर हूँ तो मेरी बहन के साथ कौन ना इंसाफी कर सकता है? हा? आप किसी तरीके से अनादर को वापस ले। तुम तो वापस आ जाओ पहले, मेरे लिए ना सही, आने वाले बच्चे की खातिर, सुमी की खातिर। मैं तुम्हारी सब गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूं। मैंने कोई गलती नहीं की, गलती पे आप थे। गलती मैंने भी नहीं की, वो एक साजिश थी। जिस दिन वो लड़की मिल गई ना मुझे, तुम्हारे सामने लाऊंगा और वो सच उगलेगी। आपने मुझ पे इल्जाम लगा के अच्छा नहीं किया। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बच्चे की पैदाइश के बाद खुला हो जाएगी। तुम्हारी माँ की आंख है? दरवाजा खोले। खोल दरवाजा, पकड़ो इसे, देवर के साथ लिखाओ। खोल दरवाजा, इसे पकड़। बेकार नहीं करो बेटा, हम आ गए, चलो। शाहरुख भाई नहीं आए? वो घर पे हैं, बेकार नहीं करो, चलो। लेके आओ इन्हें, लेके आओ। अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओ, समझ आई तुम्हें? ये मुमकिन नहीं है। और आप किस जुर्म की सजा दे रहे हो मुझे? बेटा फिर मैं ये केस लड़ना छोड़ देता हूँ। ठीक है, और इस तरह से एक बेगुनाह को सजाए मौत हो जाएगी। अनायदा मैं अकेला कई महाज पर नहीं लड़ सकता। अलीना पहले ही घर छोड़ के जा चुकी है, कम अज कम तुम तो मेरी बात को समझो। लेकिन अभी भी वो लोग भाभी और सुमी को तो नुकसान पहुँचा सकते है ना? नहीं समझ आ रही उसको तो मैं क्या करूँ? हाँ तो मैं जाकर समझाऊंगी ना उन्हें। जाने की क्या जरूरत है, फोन पे बात करो। कौन सा उसने तुम्हारी बात को समझ जाना है? क्या मुसीबत है ये, पता नहीं ये टेंशन कब खत्म होगी।
بیٹا اس کیس کا فیصلہ ہو جائے تو یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. آئی پرومس. دنیا میں ایسا کہیں اور نہیں ہوتا کہ جو لوئر ایک کیس لڑ رہا ہو دوسری پارٹی اسی کی دشمن بن جائے, اس کی فیملی کو بھی نقصان پہنچانے لگ جائے. وہ قومیں معاشی طور پر نہیں اخلاقی حالات میں بھی ہم سے بہتر ہیں. ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرتے, کسی کے ساتھ بھی نہیں. اوکے جی جی آئیے آئیے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے صوبیہ نے بتایا تھا کہ تم واپس آ گئے ہو تو تم سے ملنے آئی ہوں. شکریہ. وہ عنایدہ بیٹا میں کام سے باہر جا رہا ہوں, مہمانوں کو چائے وغیرہ کھلا دیں. جی بھائی آپ بیٹھے, میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں. نہیں عنایدہ میرا چائے کا کوئی موڈ نہیں ہے. تم ایک کام کرو کہ اپنے بھائی سے کہو کہ ہمارا کیس چھوڑ دیں. وہ کیوں؟ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ ہماری وجہ سے مزید ڈسٹرب ہو جائیں. اور ہماری خود غرضی آپ کے شوہر کو موت کے منہ میں دھکیل دے. نصیب کا لکھا تو مل کر ہی رہتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے. کسی اور کے لیے دکھ اٹھانے میں بڑی لذت ہے. اور یہ انسانیت کا اعلیٰ درجہ ہے. آپ ہی تو عامر بھائی کے لیے اتنا کچھ برداشت کر رہی ہیں. یہی تو محبت کا تقاضا ہے. یہ کیسی محبت, یہاں پہ تو بیویاں ذرا ذرا سی بات پہ کھلا مانگ لیتی ہیں. اور آپ دیکھیں اپنا آرام سکون سا برباد کر کے بیٹھی. محبت کے رشتے اتنے کچے تو نہیں ہوتے کہ ذرا سی بات پر انہیں توڑ دیا جائے. اور انسانیت محبت سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے, اور یہ میں اور بھائی آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے. بیٹھے میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں. کڑی گول لیا جلدی. لے جا سکتے ہو اپنی امانت. سب یہ کیا, دونوں قیدی فرار ہو گئے؟ اور بھاگتے ہوئے وہ ایک سپاہی کو بھی زخمی کر گئے. لے چلے اسے گاڑی میں ڈال. آپ کو کیا لگتا ہے وکیل صاحب, عامر کے ایسے فرار ہو جانے سے سندس کا کیس کمزور تو نہیں ہو جائے گا؟ کیس پر تھوڑی سی گرپ تو کمزور ہوتی ہے, لیکن سندس کے کیس کو میں کسی صورت میں بھی کمزور نہیں پڑنے دوں گا. سندس کے قاتلوں کو پھانسی تک پہنچانا ہی اب ہماری زندگی کا مقصد ہے. پیسوں کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اس کیس میں پیسے سے زیادہ ذہانت کی ضرورت ہے. چالاک مجرم کو ذہانت سے ہی قابو کیا جا سکتا ہے.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ وکیل صاحب، ہمیں آپ کی ذہانت پر پورا اعتماد ہے. آپ اپنی کاروائی جاری رکھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ایک طاقتور دشمن سے، وہ ہر صورت اس کیس کو بند کروانے کی پوری کوشش کریں گے، مگر ہم نے ایسا کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دینا. ہم آخری دم تک ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، سندس کے قتل کے بعد پہلا فون آپ کو کس کا آیا تھا؟ شعیب کے باپ کے اثر کا. کیا بولا وہ؟ باہر نکل، باہر نکل، باہر نکل، باہر نکل، جلدی کر، نکل. کون ہو تم لوگ؟ ایک گاڑی چاہیے تو لے جاؤ. گاڑی نہیں، تو چاہیے، چل چل. کیا چاہتے تم لوگ؟ سیدھا کھڑا ہو. کون ہو تم لوگ اور مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا تھا کہ تمہارے آنکھوں سے پٹی ہٹائی جا سکے. اتارو، جلدی اتارو. ہاں اتارتے ہیں بھائی، اتارو. پوچھ نظر آیا، یہ ہے ہمارے اسلم بھائی. تمہیں یہاں تم سے ہمدردی کرنے کے لیے بلایا گیا. ہمدردی کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے طریقے ایسے ہی ہوتے. دیکھیں، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. کیا چاہتے کیا ہیں آپ مجھے؟ تم کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے ہمارا، اور دشمنی کرنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے جتنے تم کمزور. اتنا بھی کمزور نہیں ہوں میں. دیکھو، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ شہاب صدیقی کی فیملی سے اپنا رشتہ ختم کرو. وہ بہت سارے کیسز میں پھنس چکا ہے. شہاب صدیقی نے کروڑوں کا غبن کیا ہے. اس کا داماد ایک فلمی اداکارہ کے قتل کے کیس میں مقتول ہے. صوبیا، صوبیا اس کا جرم بہت بڑا، وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں. بہتر ہوگا کہ تم اپنا رشتہ اپنے جیسے شریفوں میں کرو، یا پھر اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کہیں چھوڑ کے چلے جاؤ کینیڈا بغیر. نہیں، صوبیا کا جرم جانے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی کوئی فیصلہ کر سکتا. بتاؤ مجھے،
वो तुम्हें सोशल मीडिया पर नजर आ जाएगा। आंखों को पट्टी बांधो उसके यहाँ से लेके हमारे। बताओ मुझे। अरे हिल मत, चल 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 चल। अरे नायता तुम क्या कर रही हो भाभी? आप जैसा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ अलीना ठीक कह रही है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं अनायदा। ये हमारा पर्सनल मैटर है तो तुम इसे दूरी रहो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अनायदा भाभी आप इस शख्स की असलियत नहीं जानती है। और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाप से बेटी छीनकर अच्छा नहीं किया इसने। वो मेरी भी बेटी है। तो शाहरुख भी तो आपके अपने। भाभी इतना सब कुछ होने के बावजूद वो आपका इंतजार कर रहे हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे। जानती है उसकी मोहब्बत को। भाभी आपको मिसगाइड किया जा रहा है। आप ऐसे लोगों की असलियत नहीं जानती हैं। खुदा के लिए ऐसे लोगों की वजह से अपनी जिंदगी मत खराब करें। ये लोग सिर्फ आपके बाप की दौलत के पीछे हैं। शट अप, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। देखा बाप, मैंने तो इस इंसान का नाम भी नहीं लिया लेकिन ये फिर भी इंसल्टेड फील कर रहा है। एक्सक्यूज मी, हो गया इसे? इमरान का फोन आ गया। ओ, इमरान की कॉल। चलो ठीक है, तुम उससे बात करो, मैं फिर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी आपको याद कर रही थी। सोबिया मैं कनाडा जा रहा हूँ, एक अर्जेंट काम है, अभी निकाह नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगा तो नई डेट रखें। ठीक है, खुदा हाफिज। इमरान को कनाडा गए हुए कितने दिन हो गए, उसने रब्ता ही नहीं किया। निकाह की जल्दी थी उसे, मुझे वहां ले जाने की बातें करता था। और वहां जाकर मुझे भूल गया। मामला क्या है? ये भी मुझसे बाहर जाने का कोई फ्रॉड तो नहीं था? ऐसे कौन एक मजबूर लड़की से शादी करने को तैयार होता है? किसको किसी लड़की का लंगड़ा कर चलना पसंद आता है? कोई मामला जरूर था। अरे बेटे तुम यहाँ खड़ी क्यों? कब से तुम्हारा फोन बज रहा, जा जा के सुनो। जी जा बेटे। हेलो
हेलो इमरान बोल रहा हूँ। आपके इस बात के जवाब में मैं ये बोलूं कि मैं सोबिया बात कर रही हूँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आवाज पहचानता हूँ तुम्हारी। मुझे लगा शायद वहां जाकर भूल गए। काश भूल सकता। क्यों भूलना चाहते हैं? हाँ, परदेश में यादें अजाब बन जाती हैं। तो आप वापस आ जाएं। जल्दी आ रहा हूँ, बहुत जल्दी। आपको हर काम कितनी जल्दी क्यों होती है? कौन सा काम जल्दबाजी में किया मैंने? मोहब्बत से लेकर निकाह की बात होने तक जितने भी काम थे आपने जल्दी में किए, और निकाह से पहले मुल्क छोड़कर फरार हो गए। फरार तो कैदी हो, और मैं कैदी नहीं। निकाह को कैदी समझा, इसीलिए शायद मुल्क छोड़कर चले गए। नहीं, मैं निकाह से नहीं भागा, मैं वो, खैर छोड़ो, लीव इट। इमरान, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं बस वो असलम की वजह से। असलम? आप असलम से कहाँ मिले? कुछ नहीं। आप मुझे बताएं उसने आपको क्या कहा है? कुछ नहीं, खैर मैं जल्द पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। आकर निकाह करूंगा और शादी के बाद तुम्हें कनाडा शिफ्ट कर लूंगा। वहां पाकिस्तान में रहना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। इमरान, आप प्लीज मुझे कुछ तो बताएं, मैं सुनना चाहती हूँ उसने मेरे बारे में आपसे क्या बकवास की है। बकवास हमेशा फजूल बात को कहते हैं, और मैं फजूल बातें करके यहाँ सीन लम्हा जाया नहीं करना चाहता। आइए असलम साहब। सोबिया गए? सोबिया क्यों, खैरियत है? खैरियत नहीं है शाह साहब, आपकी बेटियां तो खुलेआम गुंडागर्दी उधर आई। गुंडागर्दी? अंदाजा है ये तुम क्या कह रहे हो? शायद गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया मैंने, बदमाशी कहना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। एक बाप के सामने उसकी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो? शर्म? वो शर्म तो इसके पास से भी नहीं गुजरी। ये वो क्या रहा है? आपकी बेटी ने पैगाम भिजवाया था। पैगाम? कह रही थी कि मेरे दांत तोड़ देगी, मेरा हुलिया बिगाड़ देगी, मेरे कपड़े फाड़ देगी। मैंने सोचा चल के देखते हैं ऐसी कौन सी लड़की है जिसने इतनी हिम्मत। अबू, इसने इमरान को धमकी दी थी, इसीलिए वो मुल्क छोड़ के चला गया था। डरपोकता भाग गया यहाँ से। वो वापस आए, तुम्हें जो करना है ना वो कर ले। सोफिया बेटा तुम अंदर जाओ। अबू मैं नहीं डरती, इससे मैं नहीं जाऊंगी अंदर। आशा साहब, आपकी बेटियां तो बहुत दिले रहे, किसी बात से नहीं डरती? तुम यहां क्या कर रहे हो? यही तमाशा देखने के लिए आया था। ये
इतनी आजादी तो यूरोप में भी औरतों को नहीं है जितनी इस मामले में। इतनी लाकानूनियत भी यूरोप में नहीं है जितनी तुम जैसे लोग यहाँ करते हो। अब ये गलत बात है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटो। शट अप। ना ही तुम्हारा कोर्ट है और ना ही तुम्हारा ससुराल। साहब साहब, इस मोहल्ले को या तो छोड़ दें या फिर अपनी बेटियों को काबू में करें। तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? अपना ये शौक भी पूरा कर बुला। प्लीज प्लीज शाहरुख साहब, बदनामी तो मेरी ही है। अगर गलती मेरी बेटी की है तो असलम से मैं माफी मांग लेता हूँ। अब्बू आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? हाथ नीचे करें। जाइए आप लोग भी अंदर। ये सब हो क्या रहा है? हमारे दो आदमी पकड़े गए और अगर ये सब जारी रहा तो हम सब भी जल्द मारे जाएंगे। अबे अब इस इलाके में पुलिस के साथ रेंजर्स ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ के किसी महफूज मुकाम पहुंचना होगा। यार एक तो ये रेंजर्स की वजह से ना हमारी सारी प्लानिंग तबाह हो गई है। अबे ये रेंजर्स पुलिस जान हाथ में लेके घूमती है, इन किसी के बाप से नहीं डरती। जहां हम छुपने जाते हैं ढूंढ निकालती है। बड़े सच जान लोग हैं ये। तो फिर ये सब कैसे होगा? अब हम क्या करेंगे? अरे भाई भागो, वहाँ पुलिस ने घर पे भी छापा मार दिया, यहाँ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या कह रहे हो? चला चला। मैं खोल रही हूँ दरवाजा भाई, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या अच्छा लगा आपका आना। शुक्रिया बहुत। आइए आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो कमाल हो गया आज तो। बस सबसे पहले हम यहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान आप कब आए? मैं अभी अभी आया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कनाडा से कब आए? कनाडा से भी आज ही आया। अरे इसने तो आने का मुझे भी नहीं बताया, अचानक आके सरप्राइज किया है। बहुत ही अच्छा सरप्राइज है आंटी, ये आपके लिए। अरे बेटे बैठो तो सही ना, तोहफे भी हो। अच्छा बैठो तो सही, आजा आजा आजा, बैठो बैठो बैठो। इसकी क्या जरूरत थी आंटी? ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। बेटे तो बड़ा सा है, लेकिन इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आखिर? जरूरत थी, इसीलिए कनाडा से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बाजी, ये आपके लिए। थैंक यू। और आंटी ये अंकल के लिए। अरे बेटे एक ही काफी था ना। अच्छा और ये जो गिफ्ट है ये किसके लिए? ये वो अंदर रूम में आपको खुद ही देने के लिए जाना होगा। हाँ बेटा जाओ, इतनी देर में मैं नुसरत आंटी से बात कर लूँ, तुम जाओ। आए मैं आपके साथ चल जा। आ जाए। आयशा बाजी
आपको नॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सरप्राइज है। अच्छा वो क्या? आ जाइए मिस्टर सरप्राइज। सलाम अलैकुम। अरे बैठे बैठे। ये है तुम्हारा सरप्राइज, देख लें। बगैर किसी को बताया कनाडा से वापस आ गया। वैसे इमरान, आपको आने से पहले सोबिया को तो बताना चाहिए था। लो जी, अगर मैं बता देता तो सरप्राइज कैसा रहता? अच्छा तो ये था असल सरप्राइज? नहीं, असल सरप्राइज कुछ और है। और असल सरप्राइज है ये, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पसंद आ जाए तो मैं समझूंगा शुक्रिया का हक अदा हो गया। अरे पसंद कैसे नहीं आएगा, दिन रात या तो आपकी बात हुआ करती थी या सेहत और सफाई पे। मैं भी कनाडा से इन्हीं के लिए आया, और वैसे भी फोन पर निकाह करना बहुत अजीब लग रहा था। आयशा, चलें इमरान भाई, नाश्ता रेडी है। सोबिया चलो नहा लियो। मैं हैरान हूं कि तुम लोग हालात को यहां तक ले आए और मुझे कोई खबर ही नहीं। मैं नहीं डैड, शाहरुख हालात को यहां तक लेकर आया है। सारा कसूर शाहरुख का नहीं है, तुम दोनों मुजरिम हो, मेरे और इस मासूम जान के लिए। मैंने क्या किया है, मैं क्या करती? बेटी मुझे लग रहा है कि तुम सुमी को इस पोजीशन में लाके शाहरुख से इंतकाम ले रही है। डैड ये कैसे मुमकिन है, एक माँ भला अपनी औलाद से कैसे इंतकाम ले सकती है? इंतकाम में इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने आपके मुखालफत के बावजूद शाहरुख से शादी की, क्या आपने मुझसे इंतकाम लिया? हाँ लिया, मैं ये मुल्क छोड़ के चला गया, तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं किया। अगर इंतकाम ये नहीं है तो फिर और क्या है बेटी? बाप की नाफरमानी करके तुमने दुख उठाया, तुम्हारी इस गफलत की वजह से सुमी सफर कर रही है। क्या करती? अपनी और सुमी की जरूरियात पूरी करने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ी। तुम मुझे बता, मैं हल निकाल लेता। इस मुंह से मैं आपको कॉल करती? बाप बेटी से नाराज हो सकता है लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकता। डैड मैं शर्मिंदा थी, इसी वजह से आपको इन्फॉर्म नहीं किया। चलो जल्दी से तुम मुझे शाहरुख का नंबर दो, उसने मुझे भी अंधेरे में रखा, अपनी बीवी और अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रखा, मैं उससे बात करूंगा। कैसी है कॉफी? अच्छी है। सिर्फ अच्छी है या किसी फिल्म स्टार की तरह अट्रैक्टिव भी? फिल्म स्टार और कॉफी के बीच क्या रेजिमेंस है यार। वैसे ही कभी कभी कॉफी पीता हूं तो फिल्म एक्ट्रेस सुंदस याद आता है। सुंदस जानते हो उसको?
हाँ काफी अच्छी आर्टिस्ट थी, मर्डर हो गया बेचारी का। किसने किया था मालूम नहीं है मुझे, न्यूज देखी थी मैंने। वैसे मीडिया ने बहुत उछाला था इस केस को। वैसे तुम्हें उसका ख्याल क्यों आया? और तुम्हारी कॉफी का सुंदस के साथ क्या ताल्लुक है? बस यार कॉफी पी थी मैंने कभी सुंदस के साथ। सुंदस के साथ? हाँ, इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मैं नहीं मिल सकता? तुम कहाँ मिले? शोएब के साथ। शोएब जानते हो उसको? नहीं। बहुत मशहूर बिजनेसमैन कैसर का बेटा है। हाँ नाम सुना मैंने। मैं तस्वीर दिखाता हूँ तुम्हें उसकी। वाकई अच्छी है। हाँ तू अपने वकील के जरिए सीधे अदालत पहुंचना। ससुर जो हैं वो बड़े ओहदे पर फाइज, मेरे ससुर बड़े ओहदे पर फाइज हैं, अब उनकी मुशावरत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अल्लाह ख्याल रखूंगा, मेरी हेल्प कर दो। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। सोच लो, ये ना हो कि ये केस इतना आगे चला जाए कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही ना कर सकूं। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी समझ लो। जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फायदे में रहोगे। तुम्हारा क्या फायदा है इसमें? बाद मैंने जब ये केस लिया था ना, तो मुझे लगता था कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे वकील दोस्तों ने भी मना किया मुझे, मगर मैंने ये केस एक बेगुनाह लड़के को इंसाफ दिलवाने के लिए लिया है। छोड़ दो, नुकसान में रहोगे। ये केस तो मुझे बहुत फायदा देने लगा है। क्या फायदा देने लगा है? बहुत से लोग बेनकाब हो रहे हैं। किस किस को बेनकाब करना चाहते हो? तुम्हें नहीं करना चाहता।
میری ہیلپ کر دو. میں کچھ نہیں جانتا. یہ تصویر کیا ہے پھر؟ پتہ نہیں کسی فنکشن میں بنا لی ہوگی اس نے. فہد ابھی معاملہ میرے ہاتھ میں ہے. تمہارے درمیان کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں. جب قانون کا پھندا گلے میں پڑتا ہے نا فہد بہت کچھ یاد آتا. جب میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو کیوں قانون کا پھندا میرے گلے میں پڑے گا؟ تم نے دوستی نہیں نبھائی فہد. میں نبھانا چاہتا ہوں. ارے نبھا تو رہا ہوں دوستی اور کیسے نبھاؤں. وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. تم جانتے ہو تم مجھ پہ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ جانتا ہوں. ایکسکیوز می. السلام علیکم فرحان انکل. کیسے ہیں آپ جی؟ کون سی ہاسپٹل؟ میں آتا ہوں جی. سنی ہاسپٹل میں میں جا رہا ہوں. انکل آپ پلیز میری بھی بات سنیں گے؟ بالکل نہیں. نہ میں تمہاری بات سنوں گا اور نہ میں علینا کی بات سنوں گا. تم دونوں کی وجہ سے یہ لڑکی جو ہے اب خطرے میں ہے. سمی کی اس حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف علینا ہے انکل. اور تم نے کیا کیا ہے؟ ایک گندے سے محلے سے اٹھا کے اس سے بھی گندے محلے میں لے کے چلے گئے اپنی بیٹی کو. اب جا کر دیکھو وہ محلہ صفائی کے معاملے میں مثالی محلہ بن چکا ہے وہ. اور تمہاری بیٹی ایک مثالی مریض بن گئی ہے. اتنا ڈائریا ہو گیا ہے اس کو کہ اب کوئی بھی میڈیسن اس کو صحیح نہیں کر سکتے. انکل میں نے علینا کو سمجھایا تھا سٹرگلنگ فیز میں. ایک سیلف میڈ انسان کو سوسائٹی میں مقام بنانے میں کچھ وقت لگتا ہے. چند ماہ کی بات پوچھیں اس سے. چند ماہ کی بات ہے یا میکسیمم ایک سال کی بات ہے؟ کہا تھا نا تمہیں کہ کراچی کے کسی پوش ایریا میں شفٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا. اور انکل میں آج اس پوزیشن میں ہوں. لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. مرضی ہے تمہاری. انکل میں سمی کو ساتھ لے کر جاؤں. اس حالت میں لے کے جاؤ گے تم؟ میں سمی کو کورٹ لے کر جاؤں. کورٹ؟ جی کورٹ نے ہی فیصلہ کیا تھا نا کہ ماں بچی کا بہتر خیال رکھے گی. انہیں دکھاؤں گا یہ خیال رکھا ہے ماں نے بچی کا. اگر سمی کو کچھ ہو گیا تو میں تم دونوں کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹواؤں گا اور یہ تم دونوں دیکھ لینا. اس وقت کون آ گیا؟ اس وقت کون آ گیا؟ آ رہی ہوں. کون؟ دروازہ کھولو عامر. Thank you.
आमिर तुम इस वक्त तुम अंदर चलो मैं बताता हूं आमिर तुम जी अंकल तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं वो दो पुलिस वाले मेरे पीछे चल रहे थे तो मैं कुछ यकीन से कह नहीं सकता तो यहां आने की बेवकूफी क्यों की तुमने तो मैं और कहां जाता आंटी आशा ले चलो आमिर को अंदर कमरे में ले चलो चल बेटा जाओ क्या कर रहे हैं आप जाओ ले चलो शाबाश अरे और आप कहां जा लो भाई देखो जरा देखो कहां जा रहा है दरवाजा खोलने जा रहा है जो पुलिस वाले आ रहे थे अंदर ही आ जाए घर के आमिर क्यों किया तुमने ऐसा आयशा क्या तुम्हारे ख्याल में भी मैंने वापस घर आकर गलत फैसला किया मैं घर आने की बात नहीं कर रही तुम्हें यूं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था आमिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जेल से भागना तुम्हारे नजदीक कुछ भी नहीं इस पेशी पर तो तुम्हारी जमानत हो जानी थी मैं जेल से नहीं भागा हूं कैदियों की गाड़ी से तो भागे हो ना क्या फर्क है दोनों में आशा मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश तो करो मेरी मजबूरी देखी है तुमने किन किन हालात से मुझे गुजरना पड़ा कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़े सब जानता हूं फिर भी तुमने ऐसा किया आयशा मैं भागा नहीं हूं मुझे जबरदस्ती भगाया गया जबरदस्ती हां बल्कि यूं समझो मुझे अगवा किया गया है अगवा हां ताकि जरूरत पड़ने पर वो लोग मुझे ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सके ओह माय गॉड आशा मैं इस कदर बेवकूफ नहीं हूं कि जेल से भागकर अपनी जान खतरे में डाल देता ये तो हम में से किसी ने सोचा तक नहीं था क्या क्या मुश्किलात पूर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं आयशा तुम सोच भी नहीं सकती आ जाइए कौन है आयशा मुझे बता तो दो मेरे कपड़े कहां हैं अरे माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो मेरी बहन बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत लग रही है अल्लाह नजरे बस से बचाए तुम्हें माशाल्लाह आखिर तैयार किसने किया है अच्छा आमिर जल्दी करें आप तैयार हो जाएं बार मेहमान आना शुरू हो गए तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं कि बता दो तो मेरे कपड़े कहां हैं
वही अलमारी में रखे हुए, जल्दी करें, जल्दी से तैयार हो जाए, मेहमान आ गए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, भाभी आपका भी शुक्रिया, आप बैठे ना, तशरीफ रखिए। नुसरत अभी आती है, आपसे मिलती है, ठीक है। अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अरे बेटा कितनी देर कर दी। सॉरी अंकल देर हो गई, वो भाई की बेटी हॉस्पिटल में है। ओहो कैसी तबीयत है? बेहतर है। मुझे बताए सोबिया कहाँ है? सोबिया सोबिया अंदर है। ठीक है मैं देख रही हूँ। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी इंस्पेक्टर साहब। माफी चाहता हूँ जी, बिन बुलाया आ गया। अरे नहीं नहीं, आपका अपना घर है, वो आपका कार्ड असल में देना भूल गया। मोहल्ले की वर्कर बच्ची की शादी है, वैसे ऐसे बिन बुलाया आना भी मायूब नहीं लग रहा मुझे जी। क्यों नहीं क्यों नहीं, आप बैठिए ना जी। आमिर तो आया हूँ। हाँ आपका दामाद है, उसकी साली की शादी है। जी नहीं आमिर तो नहीं आया, लेकिन मुझे तो यही इंफॉर्मेशन। इंस्पेक्टर साहब अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद अपने दामाद को लेकर आपके पास आ जाता और उसकी गिरफ्तारी दिलवाता। और बेटी की शादी हो रही है ना, इसको भी मुआखर कर देता। हाँ मैं आपसे यही तवक्को कर सकता हूँ, मगर अच्छा आप बैठिए ना, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। मैं बैठ वो आमिर। हाँ? आमिर बाहर पुलिस आई है। पुलिस? एसएचओ अंदर आ चुका है और मुझे लगता है पुलिस भी उसके साथ है। पुलिस को कैसे मालूम हुआ? शायद किसी ने मुखबिरी कर दी है। मैं इस तरह गिरफ्तारी नहीं दूंगा। तो क्या करोगे, फिर से भाग जाओगे? मुझे भागना होता तो मैं वापस क्यों आता आयशा? ठीक है तुम यहीं रुको, प्लीज बाहर मत आना, मैं देख के आती हूँ। देखो जल्दी से देखो। शाहरुख ठीक कहते थे, मुझे गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। वालेकुम अस्सलाम। आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं? जी जी बिल्कुल। वो वर्दी में आ गए, बुलाया था, मेहमान है मेरे, दोस्त हैं। जी जी। Thank you.
आमिर सोबिया के सर पे हाथ रख के सिर रुखसत करो। बैठो। तुम्हारा नसीब अच्छा करे सोबिया, मैं तुम्हारा बहनों ही नहीं बड़ा भाई हूं। मगर मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं अपनी बहन को अलविदा कहने गेट तक नहीं आ सकता। आमिर भाई, आप दिल छोटा मत करें। आप देखिएगा, आपकी बेगुनाही जल्दी साबित हो जाएगी। बिल्कुल, आप शाहरुख भाई पे उम्मीद रखें। अच्छे इंसान है शाहरुख साहब। और आप ही बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको आयशा जैसी बीवी मिली। चलो सोबिया, जल्दी करो, बाहर वेट हो रहा है तुम्हारा। भाई, उसका पांव अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब तो काफी दिन हो गए। वो दरअसल वो आप लोग यकीनन हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आपने क्या छुपाया हमसे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो तो उसके चोट लगी। ऐसी कौन सी चोट है जो अब तक ठीक नहीं हो रही? आप कैसी बातें कर रही हैं? गुफ्ता बहन, वो बचपन में पोलियो हो गया था। क्या? पोलियो? और आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? नहीं, हम चले। नहीं, नहीं बेटा, निकाह हो चुका है। निकाह हो चुका है, जानता हूं मैं, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई। रुखसती का फैसला बाद में करेंगे। बेटा ऐसे ना करो, देखो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और जो हमारी हुई है वो बेटा, इमरान गुप्ता भाई, इमरान मेरी बात सुन। अरे इमरान, कान मेरी बात सुनो। इमरान देखो, बात को समझने की कोशिश करो। हम तुम्हें बताना चाहे थे, अगर हिम्मत नहीं हुई, बहन बेटी का मामला है। बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा इमरान बात तो सुन। इमरान, शगुफ्ता बहन, हम बताना चाह रहे थे, आप लेकिन बता देते तो मामला हल हो जाता। मैं उसे समझा देती। अब समझा लें आप, अब समझा लें। देखें, ऐसा ना करें। मैं देखती हूं, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। शगुफ्ता बहन, बात रोके ना। रोक। अरे ये क्या,
क्या क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब ये क्या? मैं खुद ले आता इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब शाहरुख साहब ने हाई थी शरीफ आदमी है मगर बुरी मैं भी नहीं हूं। तो क्या मैं बुरी हूं? आपको बेवकूफ बनाया गया और मुझे यूज किया गया। देखो बेटी जो भी बात है अब सच सच बता। इसलिए कि इनकी शादी शुदा जिंदगी और इनकी बेटी की हालत बहुत ही सीरियस कंडीशन। कॉमिक टीम में मुझे हर हालत में सिलेक्ट होना था। मेरे लिए भी ये मामला जिंदगी और मौत वाला था इसलिए मैं फहद सलीम के हाथों इस्तेमाल होती गई और मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ। प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ कि फाद सलीम ने मेरा कैसे मिसयूज किया। इसमें शाहरुख साहब की कोई मिस्टेक नहीं है। मुझे टारगेट फाद सलीम ने दिया था कि इनको ट्रैप करना है, आपका घर बर्बाद करना है। आई होप कि तुम्हारी गलत फहमी अब खत्म हो गई होगी। अनम ने सब कुछ बता दिया और उस लड़की की बातों पे मैं यकीन करता हूँ। गलत फहमी तो दूर हो गई है लेकिन शर्मिंदगी नहीं जा रही। हिम्मत करो डैड, हिम्मत ही तो नहीं हो रही कि मैं शाहरुख का सामना किस तरह करूं। तुम ऐसे करो कि उसके सामने जाओ और खड़ी हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शाहरुख का सामना किस तरह करूंगी। तुम्हें उस पर शक करना ही नहीं चाहिए। डैड शक तो आपने भी किया था। मैंने तो कभी शाहरुख पे शक नहीं किया। डैड अब शादी से पहले मुझे कहते थे ना कि शाहरुख सिर्फ जायदाद की वजह से मुझसे शादी कर रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने ये सोचा था लेकिन मैं गलत था। मुझसे भी गलती हो गई ना। मोहब्बत में गलती की गुंजाइश नहीं। मैंने शाहरुख को बहुत तकलीफ दी है, बहुत डिस्टर्ब किया है। तुम जाओ शाहरुख से जाके मिलो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ करेगा। रियली? यस। I'm sorry. सोमी के वालदैन कहां पर हैं? जरा जल्दी आइए। जी जी डॉक्टर साहब क्या हुआ? I'm sorry. हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पा।
تو عامر کے مجرم ثابت ہونے میں کوئی شک باقی ہی نہیں رہا مائی لارڈ. ایڈوکیٹ عاطف کا ہی نہیں سندس کا مرڈر بھی اسی نے کیا ہے. اور جیل سے فرار ہو کر اس نے ثابت کر دیا ہے مائی لارڈ کہ جرائم پیشہ عناصر سے اس کے تعلقات ہیں. آبجیکشن مائی لارڈ. عامر جیل کی وین سے نہیں بھاگا. جج صاحب اسے کڈنیپ کیا گیا تھا تاکہ پروٹیکشن کے لیے اسے استعمال کیا جا سکے. جی جج صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. میں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی ہے. دراصل مجھے ایک قیدی ملا تھا. تو اس بات کا کوئی گواہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں گواہ پیش کرنا چاہوں گا. اجازت. تھینک یو مائی لارڈ. ملزم فہد سلیم عدالت کے کٹہرے میں حاضر ہوں اور جو بھی بات ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں انہیں بلایا جائے. یہ کچھ تصاویر ہیں مائی لارڈ. ان تصاویر سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سندس اور شعیب کے بیچ تعلقات اور میری موجودگی. بہت غصے سے وہاں سے نکلا. میں سندس کو بچانے کی خاطر شعیب کا پیچھا کرنے لگا. جب وہاں پہنچا تو شعیب لاؤنج میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا اور دروازہ اندر سے بند تھا. سندس! 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 تم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ یہ گھر میرے پیسے سے بنا ہے. تمہارے پیسے؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی. شعیب نام ہے میرا اور میں تمہیں پانے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں. میں تمہیں بتا چکی ہوں ہزار بار مجھے تم سے شادی نہیں کرنی. مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے. زبردستی ہے کیا؟ ہاں زبردستی ہے. چھوڑو مجھے. تم جا دو یا میں گارڈز کو بلا کے دھکے دے کے نکلو یہاں سے. گارڈز دھکے؟ آج تمہیں اپنے ساتھ ہر قیمت پر لے کے جاؤں گا. چلو میرے ساتھ. چلو. چھوڑو مجھے. ناؤ گیٹ لوس. سر یہ ایک ویڈیو ہے. یہ عدالت شعیب کو گرفتار کرنے کا حکم دیتی ہے. Thank you.
एडवोकेट आतिफ का मर्डर भी इसी केस की एक कड़ी है सर। वो अदाकारा सुंदस का केस लड़ रहे थे, इसीलिए एडवोकेट आतिफ को मर्डर किया या करवाया गया है। मेरे फाजिल दोस्त, खामखा उस केस को इस केस की कड़ी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं माय लॉर्ड। मैं ये बात साबित करूंगा। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या हुआ? क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, लेकिन अम्मी मैं तंग आ गया। बस दो चार दिनों में? ये भी कोई जिंदगी है? न कहीं इंसान जा सकता है ना आ सकता है, मफलूज होकर रह गया। बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि उम्र भर के लिए माजूर नहीं हो गए। इससे अच्छा था तो मर जाता। अल्लाह ना करे बेटा, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि तुम्हें एहसास हो जाता उन लोगों के लिए जो उम्र भर के लिए माजूर होते हैं। उन सब की माजूरी में मेरा क्या कसूर? तुम्हारी माजूरी में सोबिया का भी कोई कसूर नहीं है बेटा। कसूर है उसका? ना ही मैं उसके बारे में सोचता, ना ही मुझे गुस्सा आता, और ना ही ये एक्सीडेंट हो सकता है कि उसी बात की सजा मिली हो तुम्हें। देखो, ये एहसास दिलवाने के लिए सजा दी गई हो, और अगर तुम्हें अभी भी एहसास ना हुआ ना, तो ये सजा लंबी भी हो सकती है। खुदा की कुदरत बड़ी बेनियाज होती है, समझो बेटा तुम इस बात को। आमिर को फंसाया गया है जज साहब, कानून और अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, हालांकि हकीकत कुछ मुख्तलिफ। एडवोकेट आतिफ का कत्ल सुंदस कत्ल केस की ही एक कड़ी। माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त, खामखा इस अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। वो शुरू से एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, लेकिन इस बात का ना तो कोई गवाह इनके पास है और ना ही कोई सबूत। मैं चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहूंगा। इजाजत। गवाह को अदालत के सामने पेश किया जाए। जनाबे अली, यहां मुल्ज़िम असलम ने कई घिनौने जराइम का इंकशाफ किया है, वहीं इसने एडवोकेट आतिफ के कत्ल का भी इकरार किया। ये रही इसके जराइम की मुकम्मल रिपोर्ट। जी तो असलम मियां, एडवोकेट आतिफ का कत्ल किसने किया? मैंने। क्या दुश्मनी थी आपकी, क्या झगड़ा था आपका एडवोकेट आतिफ के साथ? मुझे इस काम के पैसे दिए गए, शोएब ने दिए। एडवोकेट आतिफ कंसार सुंदस का कत्ल केस लड़ रहे थे, जो उनको रास्ते से हंसाने के पैसे दिए गए। मैंने बहुत चालाकी से प्लानिंग के साथ एडवोकेट आतिफ का कत्ल किया और आमिर को फंसा दिया। क्या प्लानिंग थी आपकी? आमिर ने एडवोकेट आतिफ को कुछ पैसे उधार दिए हुए थे जो वो वापस नहीं कर रहे थे। मुझे इन हालात का मालूम हुआ, मैंने आमिर को बरगलाया, उसको नशा पिलाया और उसको इस बात पर राजी किया कि वो सारे मोहल्ले के सामने एडवोकेट आतिफ को जान से मार देने की धमकी दे, और मौके का फायदा उठाकर मैंने उनका कत्ल करवा दिया। जज साहब, फाज सलीम की दी गई एविडेंसेस और असलम के बयान के बाद मुल्जिम आमिर की बेगुनाही साबित होती है। मैं अदालत आलिया से इंसाफ की तवक्को करता हूं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आमिर बेगुनाह है, इन्हें बाइज्जत तौर पर बरी किया जाता है।
थैंक यू मिलॉर्ड। मुजरिम असलम और मुजरिम शुएब का फैसला महफूज किया जाता, तब तक ये दोनों पुलिस की हिरासत में रहेंगे। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूं, मेरा टाइम हो गया। डैड, अगर आप ना जाते तो अच्छा था। मुझे तो जाना ही होगा, लेकिन तुम जिंदगी वहीं से शुरू करो जहां तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहां से? जहां भी तुम्हारे आंखों में ख्वाब थे, दिल में खुशी थी, और इतनी खुशी थी कि तुम दोनों मुझे ही भूल गए। आप अभी तक नाराज हैं? मेरा दिल तो दुखा है, लेकिन जब तक मैं नाराज रहा तुम लोग अनीजी रहे। अब मैं राजी हो गया हूं तो तुम दोनों अब खुश रह सकते। अंकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। माँ बाप को नाराज करके भला कौन खुश रहा है? हाँ, लोग कहते भी हैं कि अगर बाप खुश नहीं है तो खुदा खुश नहीं है। डैड, प्लीज हमें माफ कर दे। अरे भाई, माफ कर लिया, कितनी बार बोलोगी तुम? बस मेरी खुशी यह है कि तुम दोनों खुश रहो। अगर तुम मुझे खुश और जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में बहुत सी खुशियां लो। थैंक यू। ओके बेटे, खुदा आई। आ जाए। आमिर भाई, आप प्लीज आइए। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, मैं पुरुमीद हूं। पुरुमीद क्या मतलब? सोबिया, मैं इमरान के घर गया था। लेकिन क्यों आमिर भाई? वो मेरे साडू का नहीं, मेरे भनोई का घर है। अब कहना क्या चाह रहे हैं? वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि उसकी टांग टूट गई। उसे माजूरी का एहसास हो रहा है, इसीलिए वो शर्मिंदा। नहीं सोबिया, ऐसी बात नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन सिर्फ टांग टूटने की वजह से नहीं। रियली सॉरी आमिर भाई, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सोबिया, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती? मैं तुम्हारा भाई हूं या नहीं? आप ये बात पूछ भी कैसे सकते हैं? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं, तुमसे झूठ बोल सकता हूं? कभी भी नहीं। तो फिर मेरी बात पे यकीन कर लो। मैंने इमरान और उसकी वालदा की आंखों में नदामत के आंसू देखे। अभी भी उनके लाउंज में तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है। मेरी तस्वीर ही काफी, लेकिन मैं खुद को वहां जाने के लिए कायल नहीं कर सकती। अगर मैं कहूं मैं, तब भी नहीं? नहीं, मैं उनसे वादा कर आया हूं कि मैं सोबिया को राजी कर लूंगा।
वो मेरी छोटी बहन है, मेरी हर बात मानती है। सोबिया, सोबिया प्लीज मेरा भरम रख लो, वरना वो लोग यही समझेंगे कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुम लोगों ने अपने घर में एक यतीम को पाल रखा। आमिर भाई प्लीज प्लीज मान जाओ सोबिया, प्लीज मेरी खातिर। हम कल इस इलाके से शिफ्ट कर जाएंगे। कहाँ? तुम्हारे मनपसंद पॉश इलाके। अपना घर लिया है क्या? इतने जल्दी कहाँ, अभी किराए का ही है। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? इस घर में मेरी सुमी की यादें बसती हैं। आपके ही घर ले लें, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं डैड से कहती हूँ वो उधार दे देंगे। करता हूँ मालिक मकान से बात। आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बताइए। जी जी जी। आइए बहन। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। मैं तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से आमिर घर वापस आ गया। जी आंटी, आप बैठिए प्लीज। बैठिए, तशरीफ रखिए। और बेटा आमिर, तुम तो खामा खामी इस केस में फंस गए थे, जबकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। जी सही कह रही हैं आप। इमरान बेटा तुम कैसे हो, तबीयत कैसी है? जी अंकल बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया। शुक्र है अल्लाह का, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी बड़ी मुसीबत से बच गए तुम। भाई साहब, आज हम दोबारा से आपसे कुछ मांगने आए हैं। जी बहन आप हुक्म कीजिए। बस शर्मिंदा किए बगैर आप हमारी अमानत हमें लौटा दें। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि ये फैसला सोबिया का भाई करेगा। सोबिया का भाई? हाँ बेटा, आमिर सोबिया का भाई है। आमिर ही सोबिया को आपके साथ भेज सकता है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ बेटा जरूर। बताइए कि सोबिया का गुस्सा कुछ कम हुआ? सोबिया को गुस्सा नहीं था, उसे उसे दुख था, उसे अफसोस था। हमारी बच्ची तो गुस्से वाली है ही नहीं। मेरे ख्याल है इस टॉपिक को अब छोड़ देना चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाएं, समझें कि हुआ ही नहीं। रंजिशें इसी तरह खत्म हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सोबिया बेटा यहाँ आओ। जीती रहो, आओ बैठो। वैसे भाई साहब एक बात और कहूंगी मैं। जी जी बहन। परसों हम अपनी बेटी को बिल्कुल उसी तरह से ले जाएंगे जैसे पहले छोड़कर चले गए थे। ठीक है, जैसा आप चाहें और जो आपकी खुशी।
अरे वो नजर वाला सामान कहाँ है, वो तो लेकर आओ। हाँ तो गई है, ये तो पता नहीं कितनी देर लगाएगी, मैं ही लेकर आती। So, Mrs. Imran, can I have a selfie with you? Sure.